सिनेमा काइनेमेटोग्राफ चलचित्रदर्शी का आविर्भाव भी उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष चार्ली का जन्म हुआ था। पहले पहल तो दर्शक चलती फिरती तस्वीरें देखकर भौचक्के रह गए थे। ऐसी फिल्मों के दृश्यों की अवधि छोटी ही होती थी, लेकिन सन 1913 में सिनेमा एक बड़े व्यवसाय का रूप लेने लगा। कीस्टोन फिल्म कंपनी उन कंपनियों में से थी जो लोगों की मांग पूरी करने के लिए वृत्तचित्र बनाने में लगी हुई थी। लेकिन लोगों का अभी तक यही मानना था कि यह एक अस्थायी सनक है और फिल्में नाच गाने का स्थान कभी नहीं ले पाएंगी। उन दिनों स्टूडियो आज की तरह खुले खुले और विशाल नहीं थे। चैपलिन हिज लाइफ एंड आर्ट शीर्षक जीवनी में डेविड रॉबिन्सन ने उस स्टूडियो का वर्णन किया है जिसकी ओर चार्ली के कदम बढ़ रहे थे। 150 वर्ग फीट का एक क्षेत्र हरे तख्तों की बाड़ से घिरा था। यहाँ बीचों बीच एक मंच बना था जिसे धूप से बचाने के लिए सफेद पर्दा लटकाया गया था। पास ही मौजूद एक पुराने बंगले में दफ्तर और महिलाओं के ड्रेसिंग रूम थे। कृषि विभाग की कुछ एक इमारतों को पुरुषों के ड्रेसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा था यह स्टूडियो। साउंड का कोई काम न था, लेकिन रोमांस से भरपूर फिल्मों में अभिनेताओं का मूड बनाने के लिए कभी कभार एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा किराए पर मंगवा लिया जाता था। हैंडक्रेक कैमरे एक जगह पर स्थित थे। अभिनेता को कैमरे का आदेश मानना पड़ता था, न कि कैमरे को अभिनेता का। फिल्मों की अधिकांश शूटिंग बाग में या स्टूडियो के बाहर सड़कों पर की जाती थी। शुरू शुरू में सब कुछ धूप पर निर्भर करता था क्योंकि उन दिनों स्टूडियो में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। कीस्टोन फिल्म कंपनी का प्रस्ताव पाकर चार्ली फूले नहीं समाए थे, लेकिन अब जबकि वे वाकई हॉलीवुड में थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका यह निर्णय सही था या गलत। आखिरकार वे मंच पर काम करने वाले एक हास्य कलाकार ही तो थे। कई दिनों तक स्टूडियो जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। अपने नए बॉस सेनेट का फोन आने पर ही वे स्टूडियो पहुंचे। वहां उन्होंने जो कुछ देखा उस सब से उनकी हिम्मत पूरी तरह पस्त हो गई। उनका हास्य अभिनय हमेशा से ही रिहर्सल, उपयुक्त समय निर्धारण और चतुराई भरे तथा सोचे समझे प्रभाव पर निर्भर करता आया था। कीस्टोन कंपनी को इन बारीकियों में कोई विश्वास नहीं था। कीस्टोन की कॉमेडियां भोंडापन, पीछा करने के लिए अंधाधुंध दौड़ भाग और भद्दे मेकअप पर निर्भर करती थी। लेकिन चार्ली हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें कई सप्ताह तक यूं ही लटकाए रखा गया और उन्होंने यह समय वह सब देखने तथा उसे सीखने में लगाया जो उन दिनों वहां चल रहा था। वे इस नई विधा में दक्षता प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प थे। इससे उन्हें पैसा और सफलता अर्जित करने का अवसर मिल रहा था। साथ ही उन्हें सामने बैठे दर्शकों के मनमौजी व्यवहार से मुक्ति मिल गई थी जिसके बारे में पहले से कुछ भी कह पाना असंभव था। फरवरी 1914 में चार्ली की पहली रिलीज होने वाली फिल्म एक रील की थी जो करीब 45 मिनट की अवधि की थी। उसका शीर्षक था मेकिंग ए लिविंग। हालांकि उन्हें फिल्मों के बारे में कम ही जानकारी थी। वे कॉमेडी समझते थे और उसी समय भांप गए थे कि फिल्म का निर्देशक पूरी तरह अयोग्य था। फिल्म पूरी हो जाने पर अपनी भूमिका देखकर उन्हें बेहद निराशा हुई। उन्होंने जो कुछ सुझाया था बाद में उन सबको फिल्म से काट दिया गया था। इसके बावजूद दर्शकों को यह फिल्म अच्छी लगी और उन्होंने फ्रॉकनुमा कोट, टॉप हैट पहनने वाले पात्र की भूमिका में चार्ली को एक उत्कृष्ट हास्य अभिनेता करार दिया। इस निराशा से चार्ली ने भविष्य में बेहतर काम करने का संकल्प लिया। सेटों और एक्स्ट्रा कलाकारों पर पैसा बचाने का सेनेट का एक सुनिश्चित तरीका था। वे अपने अभिनेताओं को किसी स्थानीय आयोजन में ले जाते थे और उन्हें वहां मौजूद भीड़ में छोड़ देते थे। चार्ली की दूसरी फिल्म का निर्माण बच्चों की कार दौड़ के दौरान हुआ। उनसे एक खास तरह की पोशाक पहनकर ट्रैक पर बेतुकी हरकतें करने को कहा गया। चार्ली ने अपनी वेशभूषा के लिए बाउलर हैट, जो उनके लिए काफी छोटा था, तंग जैकेट, बड़े साइज की पतलून, बड़े बड़े जूते और एक छोटी सी छड़ी चुनी। लिटिल ट्रम्प पहली बार सिनेमा के पर्दे पर आया। चार्ली ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यह पात्र कितना विख्यात और अविस्मरणीय बन जाएगा। लेकिन शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस आवारागर्द की छवि कैसी होगी। किस्मत का मारा, लेकिन एक प्रकार की गरिमा बनाए रखने के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करने वाला एक इंसान। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था के दौरान के गरीबी के मारे उन क्लर्कों को याद रखा जो अपने कॉलरों पर खड़िया, अपनी आस्तीनों के पैबंदों पर स्याही पोता करते थे ताकि वे देखने में प्रतिष्ठित लग सके। उन्हें यह भी याद था कि अत्यंत हताश व गरीब पुरुष, महिलाएं और बच्चे किस ढंग से हैट पहना करते थे, भले ही वह कितना ही फटा पुराना क्यों न हो।
काफी समय के बाद चार्ली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पंजा बाहर की ओर रखते हुए पैर घसीटकर चलने का अंदाज उन्होंने एक बूढ़े शराबी से लिया था, जिसे उन्होंने अपने बचपन में देखा था। उन्होंने सभी फिल्मों में अपनी स्मृतियों का भरपूर इस्तेमाल किया। ट्रंप पर्दे पर तो आ गया था, लेकिन उसका अंतिम रूप कुछ अन्य फिल्मों के बाद उजागर हुआ था। फिलहाल चार्ली ने सभी तरह के पात्रों की भूमिका निभाई। वे अन्य दूसरे हास्य अभिनेताओं की तरह एक अच्छे अभिनेता थे। इन आरंभिक फिल्मों में उनके बाद के अभिनय के आकर्षण और कल्पनाशीलता की मामूली सी झलक ही देखने को मिलती है, लेकिन ये फिल्में आमतौर पर तेज रफ्तार, भोंडी और क्रूरतापूर्ण थीं, जिनमें दर्शकों को हंसाने के लिए लात घूंसे मारने और इधर उधर उठने गिरने के दृश्य अधिक थे। चार्ली की पहली दो रील की फिल्म मैबेल एट द व्हील अप्रैल 1914 में बनी थी। उन्होंने फरवरी के बाद से 10 फिल्में बनाई थीं और काफी कुछ सीखा था, लेकिन वे खुश नहीं थे। अब उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि फिल्मों में क्या कुछ दिखाना संभव था, लेकिन इस पर भी उनके सभी सुझावों की उपेक्षा की जा रही थी। यह विश्वास होते ही कि उनकी बात सही है, चार्ली हर किसी के सामने डट जाते थे। उन्होंने मैक सेनेट को बेहतर सुविधाएं देने पर राजी कर लिया। सेनेट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने चार्ली को करीब करीब निकाल ही दिया था, लेकिन दर्शक उन्हें बेहद चाहते थे और वितरक चार्ली की फिल्मों की अधिकाधिक मांग कर रहे थे। सेनेट को चार्ली की इस लोकप्रियता के सामने झुकना पड़ा और उसके बाद से कीस्टोन स्टूडियो छोड़ने तक चार्ली ने एक फिल्म को छोड़कर उन सभी फिल्मों का निर्देशन भी किया जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। अविश्वसनीय रूप से कम समय में चार्ली ने वह सब कर दिखाया जिसका उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। वे फिल्म जगत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। जब वे पहले पहल कीस्टोन स्टूडियो पहुंचे, काम के बाद वे दूसरों के साथ शराब पीने बैठ जाते थे या उनके साथ मुक्केबाजी के मुकाबले देखने निकल पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी व्यस्तता बढ़ती चली गई, उनका सामाजिक जीवन सीमित होता चला गया। अब काम ही सब कुछ रह गया था। वे अक्सर बहुत अकेलापन महसूस करने लगते थे। सेनेट के साथ चार्ली का अनुबंध समाप्त होने वाला था। अपनी अप्रत्याशित सफलता पर प्रसन्न और विस्मित होकर उन्होंने सिडनी को लिखा, मेरा सारा समय फिल्मों में लग जाता है। मैं इनकी पटकथा लिखता हूँ, इसका निर्देशन व इनमें काम करता हूँ और विश्वास करो, यह सारा कुछ आदमी को व्यस्त बना देता है। हाँ तो सिर्फ मैंने अच्छा नाम कमा लिया है। सभी थिएटर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में विज्ञापित करते हैं। इस देश में मेरे नाम से हाउसफुल हो जाता है। सभी मैनेजर मुझे बताते हैं कि विश्व के सभी भागों से प्रति सप्ताह मेरे नाम पुरुषों और महिलाओं के कोई 50 पत्र आते हैं। अद्भुत बात है न कि इतने कम समय के भीतर मैं कितना लोकप्रिय हो गया हूँ। अगले वर्ष मुझे और अधिक सफलताओं की आशा है। शिक्षा की कमी चार्ली के आड़े नहीं आई थी और वे एक समझदार व्यवसायी थे। वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ते जाना है। सेनेट महोदय स्नेही व्यक्ति हैं और हम मित्र हैं, लेकिन धंधा तो धंधा होता है। यह एक जोखिम था जिसे उठाया जा सकता था। कुछ निराशाओं और चिंताओं के बाद अंततः उन्होंने शिकागो की एसएनए फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। दिसंबर 1914 में चार्ली शिकागो रवाना हुए। फिल्मों में उनके प्रशिक्षण के दिन पीछे छूट चुके थे। शिकागो का मौसम तो ठंडा था ही, पर एसएनए की फिल्म निर्माण पद्धति को देखकर चार्ली का उत्साह भी ठंडा पड़ गया था। कीस्टोन फिल्म कंपनी में कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वे पागल हो जाएंगे, लेकिन यह कंपनी कम से कम जीवंत और कल्पनाशील तो थी। एसएनए कंपनी महज एक सॉसेज मशीन सरीखी थी। वहां की व्यवस्था खराब थी, जहां किफायत और मितव्ययता से काम लिया जा रहा था, लेकिन यहां कुछ एक अच्छे हास्य अभिनेता मौजूद थे और चार्ली ने, जिन्हें यह अनुबंध एक खराब सौदा लगता था, यहां अपने समय का श्रेष्ठ ढंग से इस्तेमाल किया था। उनके साथ काम करने वाले उन्हें देखकर उलझन में पड़ जाते थे। वे एक महान अभिनेता बन चुके थे और इसके बावजूद सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे। उनके पास गिनती की चीजें थीं। हमेशा की तरह उनका कार्य ही जीवन था। उन्होंने काम को चमक दमक या उत्तेजना भरे जीवन के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे कार्य के रूप में लिया जिसे जहां तक संभव हो सके श्रेष्ठ ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। जब स्टूडियो ने 14 फिल्में बनाने के लिए चार्ली के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो इसके लिए यह एक अच्छा सौदा साबित हुआ। फिर हिज न्यू जॉब केवल 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो गई और इसमें एसएनए की पिछली फिल्मों की अपेक्षा अग्रिम बिक्री में कहीं अधिक पैसा बनाया था। लेकिन शिकागो की ठंड चार्ली के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह थी। वे कैलिफोर्निया स्थित स्टूडियो में चले गए, जो छोटे और अपर्याप्त होने के बावजूद गर्माहट से भरे थे।
इन कठिनाइयों के बावजूद चार्ली ने कुछ अच्छी फिल्में बनाई। कॉमेडी में परिवर्तन आया। सन 1915 के दर्शक उन बातों पर हंस हंस कर दोहरे हो जाते थे जो आज के दर्शक को शायद घिसी पिटी और अनाड़ी मस्खरेपन जैसी लगेंगी, लेकिन चार्ली के मूल अभिनय की बारीकियां, उनकी मुस्कुराहट का जादू और समय के बारे में उनकी शानदार समझ, ये सारी बातें आज भी उतनी ही ताजगी से भरी हैं जितनी की फिल्म बनाते समय थी। फिल्म द ट्रैम्प प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम थी। इसमें लिटिल ट्रैम्प, जो चार्ली चैपलिन की याद करते हुए अधिकांश लोगों की स्मृति में उभर आता है, पहली बार सही ढंग से पर्दे पर आया। इस पात्र ने सारी दुनिया के दिल में जगह बना ली थी। छोटी काठी एवं तंगहाली, बच्चे और आदमी, शरीफ तथा उदास, शरारती व साहसी इंसान का मिला जुला रूप, जो अपना अस्तित्व बनाए रखने में सदैव ही सफल रहता था। चार्ली ने किसी न किसी प्रकार ऐसा पात्र खोज निकाला था जिसमें भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सादृश्यता का अनुभव कर सकता था। उसका दुख और उसका हास्य अभिनय, जिसका अपना अलग अंदाज था, प्रत्येक सीमा को लांघ चुका था। मूक अभिनय के बावजूद हर कोई इस पात्र की मनोभावनाओं को समझ सकता था। चार्ली लाइफ नाम से एक लंबी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें उनका अपनी कॉमेडी में और अधिक वास्तविकता व सच्चाई लाने का इरादा था। लिटिल ट्रैम्प अकेलेपन और गरीबी की उस दुनिया में विचरण कर रहा था जिससे चार्ली अपने बचपन में ही परिचित हो चुके थे, लेकिन स्टूडियो से जुड़े लोगों का विचार था कि यह फिल्म चल नहीं पाएगी। चार्ली को अपना यह इरादा छोड़ना पड़ा, लेकिन एसएनए ने इसमें से कुछ एक अंश लेकर इन्हें दूसरी फिल्मों में टुकड़ों के तौर पर इस्तेमाल कर डाला। चार्ली को इससे बहुत कष्ट पहुंचा और इस बात पर उन्हें काफी गुस्सा आया क्योंकि इस सब का अब कोई संदर्भ ही नहीं रह गया था। वे हमेशा यही चाहते थे कि परीक्षण के तौर पर बनाई जाने वाली फिल्म को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वे दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपनी युवावस्था के दिनों में पसीने से नहाए बैले नर्तकियों और उदास हास्य अभिनेताओं का भलीभांति स्मरण था। वे चाहते थे कि उनके दर्शक फिल्म पूरी हो जाने पर इसे अंतिम जादू के रूप में ही देखें। भाग्यवश उनके सुझाव पर अमल नहीं किया गया। उनके निधन के बाद दो ब्रिटिश शोधकर्ताओं केविन ब्राउनलो और डेविड गिल ने बड़ी संख्या में ऐसी रीलें ढूंढ निकाली जो उन्होंने रद्द कर दी थी और इन्हें एक वृत्तचित्र का रूप दे डाला। इससे हमें पता चलता है कि चार्ली ने अपनी फिल्में किस तरह बनाई थी। ऐसे दृश्यों को कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रद्द कर सकता था। उन दृश्यों को फिल्माने में चाहे कितना समय क्यों न लगा हो, अगर चार्ली उनसे संतुष्ट न हो पाते तो उन्हें काट दिया जाता था। वे अपनी फिल्मों की कांट छांट बड़ी मेहनत से करते थे। सन 1936 में चार्ली ने महान फ्रेंच फिल्मकार जियां वाक्तो को बताया था कि फिल्म एक पेड़ की तरह होती है। किसी पेड़ को हिलाने पर वह सब नीचे गिर जाता है जो कमजोर और सूखा होता है। बस वही कुछ बचा रहता है जो आवश्यक होता है। अनावश्यक सामग्री पूरी तरह काट देने के बाद फिल्म तैयार हो जाती है। एसएनए कंपनी चार्ली को आखिर तक नाराज करती रही। उन्होंने कारमेन पर दो रील का एक संक्षिप्त प्रहसन बनाया। स्टूडियो ने दूसरी फिल्मों से काटे गए कुछ एक अंश इसमें जोड़कर इसे पूरी लंबाई की फीचर फिल्म का रूप दे डाला। इसके परिणाम स्वरूप जो फिल्म बनकर तैयार हुई उससे चार्ली को इतना धक्का पहुंचा कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वे दो दिन तक बिस्तर में पड़े रहे। चार्ली चैपलिन अब विख्यात हो चुके थे और उन्हें इसकी वजह से परेशानी भी उठानी पड़ी थी। प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने ऐसी कई फिल्में बना डाली थी जिनमें खुले तौर पर चार्ली से मिलते जुलते कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई थी। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया चार्ली चैपलिन की दीवानी हो गई थी। लिटिल ट्रैम्प कॉमिक्स में, फिल्म कार्टूनों में, गुड्डे के रूप में, पुस्तकों में और गीतों में प्रकट हुआ। फ्रांस में तो लोगों ने एक नृत्य का नाम ही चार्लोट वन सटेप रख दिया था। चार्ली को होश ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा था। उनकी दिनचर्या अत्यंत व्यस्ततापूर्ण थी। पहले किसी फिल्म अभिनेता को इतनी ख्याति नहीं मिली थी और न ही लोगों ने अन्य किसी अभिनेता को इतना प्यार दिया था। फरवरी 1916 में चार्ली न्यूयॉर्क गए। रास्ते में उनका जो स्वागत हुआ उसे देखकर वे भौचक्के रह गए। न्यूयॉर्क पुलिस के प्रमुख को मजबूरन उनसे यह कहना पड़ा कि वे ग्रैंड सेंट्रल से पहले वाले स्टेशन पर ही गाड़ी से उतर जाएं, क्योंकि वहां पहले से ही एक विशाल जनसमूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। चार्ली अब इतने विख्यात हो चुके थे कि हर स्टूडियो इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि वे वहां आए और काम करें। सिडनी उनके मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे और यथासंभव श्रेष्ठ अनुबंध कराने के लिए कृतसंकल्प थे। अंत में चार्ली ने एक चौंका देने वाली धनराशि पर म्यूचुअल स्टूडियो के साथ अनुबंध किया। यह धनराशि अब तक के सिने इतिहास में विशालतम थी। इस समय वे 27 वर्ष के थे।
चाली अभिनेताओं की एक छोटी कंपनी तैयार करने में लग गए। वे अपनी क्षमता से परिचित थे और उनकी इस स्थिति का अर्थ यह था कि वे अपने ढंग से हर फिल्म पर अधिक समय लगाकर और अधिक फिल्म का इस्तेमाल करके फिल्म बना सकते थे। अपने कार्य को यथासंभव पूर्णता प्रदान करने के लिए वे पहले से अधिक कठोर हो गए। चाली एक विचार को लेकर फिल्म शुरू करते, उसे फिल्माते, उसमें फेर बदल करते, उसे दोबारा फिल्माते, पात्रों तथा सेटों को बदलते और फिर इस सबको कचरे की टोकरी में डालकर दोबारा नए सिरे से काम शुरू कर देते। वे अक्सर ही पहले से कुछ सोचे बिना स्टूडियो पहुंच जाते और फिल्म बनाने में लग जाते थे। उन्हें ऐसे अभिनेताओं की जरूरत थी जिन्हें उनके माध्यम से अपनी भूमिका अभिनीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वे उन अभिनेताओं के माध्यम से स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते थे। वे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सेलो और वायलिन बजा सकते थे। वे एक जिम्नास्ट, नर्तक और स्केटर थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे स्वान करने में निपुण थे। उदाहरण के लिए सन 1916 में बनी फिल्म द पॉन शॉप में एक अविस्मरणीय दृश्य है जिसमें सामान गिरवी रखने का धंधा करने वाले चाली दीवार घड़ी की कीमत आंकते हैं। वे स्टेथोस्कोप की मदद से घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, फिर एक हथौड़ी और बर्मा लेकर उस पर पिल पड़ते हैं। उसके बाद वे उसे कैन ओपनर से खोलते हैं, उसे सूंघ कर देखते हैं और घड़ी साज का शीशा आंख पर चढ़ाकर घड़ी के अंदरूनी पुर्जों की सावधानी पूर्वक जांच करते हैं। इस सबसे संतुष्ट न होने पर चिमटी की मदद से उसके पुर्जे बाहर खींच लेते हैं। मेन स्प्रिंग खुल जाता है। वे सारे पुर्जों को खोल देते हैं। जांच का काम पूरा कर लेने पर वे घड़ी के खोले गए पुर्जे उठाते हैं और अपने कंधे उचकाकर ग्राहक के हैट में डाल देते हैं। घड़ी गिरवी रखे जाने के काबिल नहीं है। अब तक वे फिल्म निर्माण कला में पारंगत हो चुके थे, जबकि कुछ कलाकार, लेखक, पेंटर, फिल्मकार काम शुरू करने से पहले प्रत्येक चीज के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करते हैं और फिर उसे अंतिम रूप देते हैं। चाली जैसे अभिनेताओं को काफी सारा काम करना पड़ता है और फिर उसे कांच छांटकर अंतिम रूप देना पड़ता है। जून 1917 में रिलीज की गई फिल्म दी इमिग्रांट के लिए 40,000 फीट फिल्म की शूटिंग की गई थी। इसे 1,800 फीट की अपेक्षित लंबाई तक लाने में चाली को अपने सहायकों की मदद से 4 दिन और 4 रातों का समय लगा। यह तय करने से पहले कि उन्हें फिल्म को वास्तव में कहां कहां से काटना चाहिए, उन्होंने प्रत्येक दृश्य शायद 50-50 बार देखा था। अंत में चाली बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उनका काम पूरा हो चुका था। दी इमिग्रांट अपने समय के गंभीर युद्धों पर बनाई गई चाली की महान फिल्मों की श्रृंखला की पहली फिल्म थी। सन 1917 से लेकर दूसरे विश्व युद्ध की अवधि तक उनकी महानतम फिल्मों ने अपना ध्यान अन्याय पर केंद्रित किया और उनमें से अनेक फिल्मों का दर्शकों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ा। फिल्म दी इमिग्रांट में अमेरिका आने वाले गरीब लोगों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। कई अर्थों में इसे आत्मकथात्मक फिल्म कहा जा सकता है। चाली एक अजनबी के तौर पर अमेरिका पहुंचे थे। उन्हें उस देश में अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का अनुभव हुआ। उस फिल्म में लिटिल ट्रम्प अनेक देशों में आए आप्रवासियों के बीच जहाज पर दिखाई पड़ता है। ट्रम्प की मुलाकात एडना और उसकी माँ से होती है, जिन्हें एक जुआरी ने लूट लिया है और अब उनके पास एक दमड़ी भी नहीं है। यह फिल्म बहुत से आप्रवासियों द्वारा भोगे जाने वाले घोर दुखों और तकलीफों की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। यह एक हास्य प्रधान प्रेम कहानी है। वे स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाले देश के प्रलोभन में पड़कर वहां पहुंचे थे, लेकिन उस नई धरती पर उन्हें स्वीकार ही नहीं किया गया था। इस फिल्म के एक दृश्य में एक बोर्ड की पृष्ठभूमि में, जिस पर अराइवल इन द लैंड ऑफ लिबर्टी वाक्य लिखा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। लेकिन आप्रवासन अधिकारी जहाज पर मौजूद भीड़ को फौरन ही मवेशियों की तरह रस्सियों से एक साथ बांध देते हैं। ट्रम्प की भूमिका में चाली ने उस पात्र को प्रस्तुत किया जिसे लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। वे अमीर और गरीब, सफल और असफल के बीच की खाई को पाटते हैं। वे उस छोटे और मामूली से आदमी के रूप में सामने आते हैं जो सारी कठिनाइयों के बावजूद विजयी रहता है। चाली कम भाग्यशाली लोगों को थोड़ी गरिमा प्रदान करते हैं और यह जानते हुए कि अंत में जीत उन्हीं की होगी, वे उन्हें अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं। यही वह विशेषता है जो ट्रम्प को विश्वव्यापी लोकप्रियता प्रदान करती है। वह अपने दर्शकों के बीच मौजूद सामाजिक अवरोधों को तोड़ डालता है। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था और कुछ लोगों का विचार था कि अपने देश की ओर से लड़ने के लिए चाली को ब्रिटेन आना चाहिए था। वे अमेरिकी नागरिक नहीं थे, लेकिन दूसरे लोगों का ख्याल था कि चाली की फिल्में अधिक अच्छा काम कर रही थी।
वे निराशा से भरी उस अवधि में लोगों को हंसा रही थी, उनमें आशा जगा रही थी और साथ ही अमेरिका के लिए पैसा कमा रही थी। यह ऐसा काम था जो एक मामूली सैनिक कभी नहीं कर सकता था। चार्ली ने युद्ध में यथाशक्ति अपना अंशदान किया। उन्होंने एक फिल्म बनाई। मई 1918 में चार्ली ने, जो इन दिनों फर्स्ट नेशनल फिल्म कंपनी में थे, शोल्डर आर्म्स नामक फिल्म बनानी शुरू कर दी। युद्ध चलते 4 वर्ष हो चुके थे और चार्ली ने एक ऐसा फैसला कर डाला था जो आश्चर्यजनक लगता था। उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म बनाने का निश्चय किया जिसकी शूटिंग खाइयों में की जानी थी। अभी तक बनाई गई फिल्मों में से अधिकांश अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ने वाली दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब इन फिल्मों को सही ढंग से बनाया जाने लगा था, मंच पर नाटकों की तरह, और अब उन्हें केवल जन साधारण का मनोरंजन करने वाली फिल्में नहीं समझा जाता था। फिल्म शोल्डर आर्म्स चार्ली के दिमाग में इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने उस सुंदर कॉमेडी के दृश्य एक के बाद एक बड़ी तेजी से फिल्माए। उस फिल्म में चार्ली ने उस भयावह वास्तविकता का चित्रण किया जिससे प्रत्येक सेवारत सैनिक परिचित था। फ्लैंडर्स का कीचड़ भरा इलाका, पानी से भरी खाया, जुए और चूहे, लगातार बमबारी और डर का माहौल, इस सबको एक कॉमेडी में बदल दिया गया था जिसमें युद्ध लड़ने की मूर्खता की खिल्ली उड़ाई गई थी। युद्ध के उन्माद पर हंसने की उनकी समर्थता उनके वास्तविक बचाव सरीख ही थी। एडना पुरवियंस। चार्ली न्यूयॉर्क से लौटे थे। उन्हें अपनी असीम लोकप्रियता और तेजी से हासिल की गई समृद्धि पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस तरह की लोकप्रियता उन्हें मिल रही थी उसके अनुरूप जनता के बीच घुलने मिलने में उन्हें संकोच महसूस होता था। वे शर्मीले और आत्मकेंद्रित स्वभाव के चलते अपने साथ काम करने वाले कलाकारों से अधिक घुल मिल नहीं पाते थे। इतनी कामयाबी हासिल कर लेने के बाद भी वे लॉस एंजल्स के स्प्रिंग स्ट्रीट इलाके के स्टोवेल होटल के छोटे से कमरे में रहते थे। दिन भर शूटिंग करने के बाद साथी कलाकारों से विदा लेकर चार्ली शहर के गरीबों के इलाकों में घूमने के लिए निकल पड़ते थे। उन इलाकों में वे निरुद्देश्य घूमते रहते थे और पुराने सामानों की दुकानों व गिरवी की दुकानों की खिड़कियों से प्रदर्शित किए गए सामानों की तरफ देखते रहते थे। वे उन ठिकानों पर जाकर पैनकेक खाते थे या कॉफी पीते थे जहां गरीब तबके के ग्राहकों को 10 सेंट में भरपेट खाना मिल जाता था। चार्ली रोकदार महंगी दुकानों में जाने से बचते थे जहां हर तरह की चीजें उपलब्ध रहती थी। वे खास तौर पर हॉफ ब्रो हाउस नामक रेस्टोरेंट में जाने से बचते थे जहां न्यूयॉर्क के रंगमंच की प्रसिद्ध हस्तियां इकट्ठी होती थीं और सिनेमा के नए तथा संघर्षरत कलाकारों को प्रोत्साहित करती थी। उन्हें लगता था कि कहीं तेजी से हासिल हुई ख्याति के चलते कहीं बनावटी सामाजिक मूल्यों का आडंबर उन्हें ग्रस्त न कर ले, इसलिए अपने संघर्ष के दिनों की तरह जाने पहचाने मलिन इलाकों में घूमते हुए उन्हें सुकून का एहसास होता था। उन्हीं दिनों महिला का स्वान करने वाले कलाकार जूलियन एल्टनजे लॉस एंजल्स पहुंचे थे। वे न्यूयॉर्क में सफल कार्यक्रम करके आए थे। उन्होंने जेसी लास्की के साथ 3 फिल्मों के लिए करार किया था। फिल्मों के नाम थे द विडोज माइट, काउंटेस चार्मिंग और द क्लीवर मिसेज कारफैक्स। फिल्मों के जाने माने हास्य अभिनेता फोर्ड स्टलिंग, रेमंड हिचकॉक और विलियम फर्नम एल्टनजे के साथ हॉफ ब्रो हाउस में नियमित रूप से आते थे। चार्ली चैपलिन, जो नए एवं संभावनाओं से भरपूर कलाकार थे और जिन्हें न्यूयॉर्क में एसएनए कंपनी ने लाखों डॉलर प्रदान किया था, वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। एल्टनजे के मन में कौतूहल का भाव पैदा हो रहा था। रंगमंच के दूसरे प्रतिष्ठित कलाकारों की तरह एल्टनजे भी नए माध्यम सिनेमा को तेजी से बनाया जाने वाला और फिर विस्मृत कर दिया जाने वाला माध्यम समझ रहे थे। रंगमंच के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि नया नया माध्यम अधिक दिनों तक बाजार में टिकने वाला था। उन्हें लगता था कि वास्तविक अभिनय के मुकाबले चित्रों में किए गए अभिनय की कोई अहमियत नहीं हो सकती थी। एल्टनजे ने चार्ली के अभिनय को देखा था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सिनेमा रूपी तुच्छ माध्यम में चार्ली जो विशेष प्रभाव पैदा कर रहे थे उसे निरर्थक कहकर टाल देना आसान नहीं था। उन्होंने चार्ली के बारे में पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि चार्ली एकाकी जीव थे जो अपने सहयोगियों से अलग थलग रहना पसंद करते थे और शहर के अकुलीन इलाकों में घूमते हुए पाए जाते थे। एक रात हॉफ ब्रो हाउस रेस्टोरेंट से वापस लौटते हुए एल्टनजे ने गिरवी की दुकान की खिड़की के सामने एक दुबली व अस्पष्ट आकृति देखी जिसने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखा था और जो दीन दुनिया से बेखबर अपने आप में खोई हुई थी। एल्टनजे ठिठक गए और चार्ली को पुकारा। उन्होंने एक साथ ड्रिंक लेने का प्रस्ताव रखा तो चार्ली हिचकते हुए पड़ोस के मदिरालय तक उनके साथ गए। दोनों में दोस्ती हो गई। एल्टनजे की एक महिला मित्र श्रीमती स्लेटर ने एक दावत का आयोजन किया। सर बीर बोम ट्री दावत के मुख्य अतिथि थे। एल्टनजे ने अपने साथ दावत में चार्ली को ले जाने की इजाजत महिला मित्र से ले ली थी।
वे चाली और गोराल्डीन फेरार वे साथ पार्टी में पहुंचे। सर बीरबोम तुरंत चाली की तरफ आकर्षित हुए और उन्हें अत्यंत बुद्धिमान नौजवान कहकर संबोधित किया। इंग्लैंड की नाइटहुड उपाधि से अलंकृत एक महान अभिनेता के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाली के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। अमेरिकी दर्शकों की सराहना पाकर भी जो आत्मविश्वास उनके भीतर पैदा नहीं हो पाया था, वही आत्मविश्वास दावत में सराहना पाकर मजबूत हो गया था। उन्हें अपने आप पर भरोसा पैदा हुआ, स्वीकृति की भावना पैदा हुई और उन्होंने एल्टन जे के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सच्ची दोस्ती निभाते हुए उनका परिचय समाज के ऊंचे तबके के लोगों से करवाया था। अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों के मुंह से सराहना सुनकर चाली अपने उद्देश्य के प्रति अधिक कृतसंकल्प हो गए। आलोचना या विरोध सुनने से कभी भी उनकी एकाग्रता या सृजन की तल्लीनता भंग नहीं होती थी। मानवीय संवेदना का स्पर्श पाकर उनका कलाकार मन पुलकित हो उठा था तथा वे और भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो उठे थे। सामाजिक रूप से चाली की जान पहचान की घटना के बाद एक शाम जब बारिश हो रही थी तब सांता मोनिका के समुद्र तट पर स्थित सनसेट इन रिजॉर्ट में उसका मालिक गुस्काना लगभग असंतुष्ट मुद्रा में डाइनिंग रूम का मुआयना कर रहा था। उस जगह पर अक्सर फिल्मी कलाकारों और उनके मित्रों की भीड़ इकट्ठी होती थी। किनारे की एक मेज के इर्द गिर्द सांता मोनिका के मेयर बर्कले, पुलिस प्रमुख फर्गुसन, कैप्टन क्लेरेंस वेब और पुलिस जज किंग बैठे हुए थे। बड़े कमरे के दूसरे छोर की मेज के इर्द गिर्द कुछ मेहमान बैठे हुए थे, जहां से समुद्र का नजारा दिखाई दे रहा था। मेयर ने गुस्काना को बुलाया। गुस, हम देख रहे हैं कि तुमने वहां बैठी औरत को सिगरेट पीने की इजाजत दे रखी है। मेयर ने कहा, तुम जानते नहीं, इस शहर में सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला का धूम्रपान करना कानूनन वर्जित है। गुस ने दूसरी तरफ देखा, जहां एक सजी धजी महिला लंबे सुनहरे होल्डर की सहायता से सिगरेट के कश ले रही थी। गुस्काना ने मेयर की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन जनाब, वे श्रीमती विलियम के वेंटबिल्ट हैं और उनके साथ जो दो लोग हैं वे सर बीरबोम ट्री और उनकी बेटी कुमारी आयरिका हैं। पुलिस प्रमुख फर्गुसन थोड़ा प्रभावित हुआ, उसने अपने गले को साफ किया। मगर गुस, कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून की सुरक्षा की मैंने कसम खा रखी है। गुस को संकोच हुआ, वह किसी भी कीमत पर प्रतिष्ठित मेहमानों को अपना नित होने से बचाना चाहता था। ठीक है जनाब, मैं वहां जाकर बात करूंगा, वह थिथका और फिर जो बात उसने कही उसे सुनकर अधिकारियों की नाराजगी दूर हो गई। मेज पर वे जो सज्जन बैठे हैं नाटेकद के, वे चाली चैपलिन हैं। सांता मोनिका के अधिकारियों ने बाल सुलभ उत्सुकता के साथ चाली की तरफ देखा और उनके मुंह से निकला, अच्छा, पहले तुमने क्यों नहीं बताया, मेकअप के बगैर हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। पुलिस प्रमुख फर्गुसन ने नर्म होते हुए कहा, मुझे लगता है दोस्तों, इस मामले में हम कानून में ढील दे सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। मगर दूसरे अधिकारी कानून की बात भूल चुके थे और वे चाली की हरेक हरकत को गौर से देखने में जुट गए थे। जूलियन एल्टन अजय समझ नहीं पाए थे कि चाली क्यों एक सस्ते होटल के गंदे कमरे में टिके हुए थे, इसलिए उन्होंने चाली से बेहतर इलाके में रहने का अनुरोध किया था। आखिरकार सन 1916 में चाली सस्ते होटल को छोड़कर बोरिया बिस्तर समेट कर लॉस एंजल्स एथलेटिक क्लब में कमरे लेकर रहने लगे थे। सिडनी ने उनसे अनुरोध किया कि वे एक कार खरीद लें और अपनी सुविधा के लिए एक सेक्रेटरी रख लें। चाली ने बड़े आकार की लोकोमोबाइल टूटिंग कार खरीदी थी। ड्राइवर पद के लिए तोराईची कोनो आवेदन करने के लिए चाली के नए सचिव टॉम हैरिंगटन से मिलने एथलेटिक क्लब में आया था। हैरिंगटन बोनो के अनुभव और योग्यता से संतुष्ट हुआ, उसे चाली से मिलवाने के लिए शयन कक्ष में ले गया। मैंने एक आकर्षक काले बालों वाले नौजवान को बिस्तर पर नाश्ता करते हुए देखा, कोनो ने कहा। जब हैरिंगटन ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो चाली ने खाना बंद कर मुझसे पूछा कि क्या मैं कार चला सकता हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि यह काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं नहीं चला सकता, और मुस्कुराने लगे, बोले, तुम स्मार्ट हो। फिर उन्होंने हैरिंगटन से कहा कि इसे टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाओ। इतना कहकर वे खाने में जुट गए। मैं हैरिंगटन को कार में बिठाकर लॉस एंजल्स की सड़कों को नापने लगा। उस समय अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद हैरिंगटन ने कहा, तुम यह नौकरी कर सकते हो। मुझे और मेरी पत्नी को एथलेटिक क्लब और इंगस्ट्रोम होटल के बीच में कहीं रहने का इंतजाम करना था, चूंकि उसी होटल में चाली की फिल्मों की नायिका कुमारी पूर्वियंस रहती थी। मुझे शुरुआत में हर हफ्ते $30 वेतन के तौर पर मिलने वाले थे।
कोनो का रिश्ता इस तरह चाली से जुड़ा और आगे जाकर कोनो चाली का विश्वसनीय सेक्रेटरी बना, प्रतिष्ठा और समृद्धि का भागीदार बना, सुख दुख का सहचर बना, सभ्य जगत के श्रेष्ठ व्यक्तियों के सान्निध्य में आया। चाली के इर्द गिर्द के कलात्मक माहौल के प्रति कोनो उदासीन ही बना रहा। शुरू शुरू में वह धड़ल्ले से अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। कोनो भौतिकवादी था, प्रतिभा, कला और गुणवत्ता से उसका नाता नहीं था। वह चाली की उपार्जन क्षमता की सराहना करता था, मगर मन ही मन उसे लोगों पर हंसी आती थी जो चाली पर धन उड़ेल रहे थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोनो चाली के प्रति वफादार था और उनकी अच्छी तरह देखभाल करता था। वह पल भर के लिए भी अपने कार्य की उपेक्षा नहीं करता था। वह हमेशा अपने मालिक के हितों का ध्यान रखता था। चाली उसके ऊपर अपने दूसरे कर्मचारियों की तुलना में काफी भरोसा रखते थे। निजी पत्र और तार हमेशा चाली की जगह कोनो के पास भेजे जाते थे। चाली अपने करीबी लोगों के फोन नंबर भी कोनो के पास ही रखते थे। कोनो चाली का ऐसा निजी दूत था जो उनकी पत्नियों से भी सीधे बात कर सकता था। चाली के निजी सहायक के रूप में कार्य करना बाद के वर्षों में थका देने वाला अनुभव बनता गया। कार्य के घंटे लंबे और अनिश्चित होते गए। भीतर ही भीतर उसके मन में अपने कार्य के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा था। 9 बजने से कुछ मिनट पहले हर सुबह कोनो टॉम हैरिंगटन को कार में बिठाकर लॉस एंजल्स स्टॉक एक्सचेंज में लेकर जाता था। हैरिंगटन के पास चाली का पावर ऑफ अटॉर्नी था, जिसके जरिए वह शेयरों की खरीद बिक्री करता था। चाली के हितों का ध्यान रखते हुए हैरिंगटन शेयरों की सौदेबाजी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता था। एथलेटिक क्लब लौटकर कोनो चाली को कार में बिठाता था, फिर होटल पहुंचता था जहां एडना पूर्वियंस कार में चाली के साथ बैठ जाती थी। फिर वे हॉलीवुड के लिलियन में स्थित म्यूचुअल स्टूडियो पहुंच जाते थे। दिन भर स्टूडियो के बाहर इंतजार करते हुए कोनो बीच बीच में मिलने वाले आदेशों का पालन करता था और उसे स्टूडियो किसी पागलखाने की तरह लगता था जहां की गतिविधियों का वह जानकार बन चुका था। धीरे धीरे वह अपने कलाकार स्वामी की तुनकमिजाजी को समझने और उसी के अनुरूप कदम उठाने का अभ्यस्त होता गया। सिनेमा उद्योग तेजी से विकसित होता जा रहा था। उसकी संभावनाएं जिस पैमाने पर बढ़ती जा रही थी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं को भी परेशानी हो रही थी। चाली के हास्य अभिनय का क्रम विकास भी कम चमत्कारी नहीं था, जो प्राथमिक थप्पड़ छड़ी की हिंसा से आगे बढ़कर नियंत्रित अभिनय के रूप में व्यक्त हुआ था, जिसमें हास्य को गहराई के साथ मानव जीवन के ताने बाने के साथ बुनते हुए मूर्त रूप प्रदान किया गया था। परिवर्तन धीरे धीरे हुआ था, मगर यह निश्चित था, चाली जानते थे कि फिल्म निर्माण के शुरुआती चरण में परंपरा को अचानक बदला नहीं जा सकता था। चाली जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहे थे, नियंत्रित अभिनय करते हुए अति नाटकीयता से बच रहे थे और डूबकर अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहे थे, अपने सहयोगी कलाकारों से उसी स्तर का अभिनय करवा पाना उनके लिए संभव नहीं था। सच्चे हास्य रसज्ञ होने के नाते चाली ने जहां हास्य का अध्ययन किया था, वही करुणा का भी अध्ययन किया था। वे हास्य को सुस्पष्टता के साथ उभारने की कला में दक्ष बन गए थे। वही हास्य के साथ करुणा के मिश्रण की कला भी उन्हें बखूबी आती थी। उनकी एक के बाद एक बनने वाली कामयाब फिल्मों में अतिसूक्ष्म, विचारात्मक और अंतर्निहित करुणा की मनोदशा को व्यक्त करने वाला हास्य विद्रूपात्मक, संवेदनशील, दंतदार और प्रबल था, जो मानवीय आवेग की सतह के नीचे तक प्रभाव डालता था और जो सिनेमा के व्यापक दर्शक वर्ग को मुग्ध बना देता था। चाली की फिल्मों में तंगहाली की मिठास का रक्षक नजर आता था। उनमें ताकतवर श्रेणी के ऊपर कमजोर के जीवट की जीत नजर आती थी। यह भी सही है कि उनमें एक किस्म की सांसारिकता, एक किस्म की फूहरता की मनोदशा, सरलता के साथ विद्रोह का संदेश भी होता था। इन फिल्मों के महान और आध्यात्मिक अर्थ दर्शकों के मस्तिष्क में उभरते थे। इनमें ट्रंप की रोमांटिक और आध्यात्मिक प्यास नजर आती थी। चाली की विस्मयकारी सफलता नए या अनछुए परिसर पर आधारित नहीं थे, लेकिन उनकी साधना पूरी तरह मौलिक थी। उन्हें 17वीं सदी की इतालवी कॉमेडियों या 18वीं सदी के ब्रिटिश पेंटोमाइम की जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ इतना जानते थे कि कलाकारों के समूह द्वारा उछल कूद करना श्रेष्ठ कला का उदाहरण नहीं हो सकता था। चाली कलात्मक उत्कर्ष हासिल करने के लिए अनवरत टटोलते हुए, चूक करते हुए एक सत्यभाषी किरदार की समष्टि को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मानव जीवन धड़कता हुआ प्रतीत होता था। एडना पूर्वियंस नेवादा के देनों से आई थी, जहां वह टाइपिस्ट की नौकरी कर रही थी। वह फिल्मों में काम ढूंढने के लिए आई थी। देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों युवतियां हॉलीवुड पहुंच रही थीं और काम की तलाश में स्टूडियो के दरवाजे पर इकट्ठी हो रही थीं।
नायिकाओं की जितनी जरूरत थी उसकी तुलना में कई गुना अधिक लड़कियां काम मांगने के लिए पहुंच रही थी। कई महीने तक हतोत्साहित होकर और जमा पूंजी खर्च करती हुई एडना एक दिन म्यूचुअल स्टूडियो के बाहर जुटी भीड़ में शामिल हो गई। उसमें एक किस्म की जन्मजात निर्भीकता थी। उसने चार्ली चैपलिन से मिलने की इच्छा जाहिर की। वह खूबसूरत थी, चार्ली ने देखा, मगर दूसरी लड़कियां भी तो खूबसूरत थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, एडना के व्यक्तित्व में बाहरी तौर पर कोई खूबी भले ही विद्यमान नहीं थी, मगर उसके भीतर कोई ऐसी खूबी अंतर्निहित थी जिसे केवल चार्ली ही महसूस कर सकते थे। अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव के अनुरूप तत्काल निर्णय लेते हुए चार्ली ने एडना को स्क्रीन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया। प्रोजेक्शन रूम में चार्ली ने एडना के स्क्रीन टेस्ट के नतीजे को देखा। वह भयानक नजर आ रही थी। कैमरे के सामने वह अनाड़ी व आत्मकेंद्रित लग रही थी और उसमें नाटकीय मूल्यों की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एडना के अनाड़ी होने पर भी चार्ली की दिलचस्पी उसमें पैदा हो गई थी। उनके सामने चुनौती थी कि कैसे बिल्कुल कच्ची मिट्टी से सुंदर पात्र का निर्माण किया जा सकता था। एडना उनके लिए कच्ची मिट्टी की तरह थी और उन्हें एक दक्ष कुम्हार की भूमिका का निर्वाह करना था। धैर्य के साथ चार्ली एडना का मार्गदर्शन करते रहे, जो जल्द ही चार्ली से प्यार करने लगी थी और चार्ली के निर्देशों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दोनों की मेहनत रंग लाई। द काउंट, द पाउंड ब्रोकेट और एडवेंचर में एडना ने चार्ली की अपेक्षा के अनुरूप अभिनय करते हुए दर्शकों की सराहना हासिल की थी। कोनो ने एडवेंचर फिल्म में पहली बार अभिनय किया था, जिसकी शूटिंग सांता मोनिका समुद्र तट पर हुई थी। इस फिल्म में चार्ली ने एक भगोड़े कैदी का किरदार निभाया था जो जेल की पोशाक पहने हुए समुद्र तट पर घूम रहा है। वह किसी व्यक्ति की पोशाक चुरा लेना चाहता है, मगर उसी समय वह एक लड़की एडना पूर्वियंस की चीख सुनता है जो लहरों में डूबती हुई बचाव के लिए गुहार लगा रही है। कैदी लहरों में कूदकर लड़की को बचा लेता है, मगर लड़की को चाहने वाला एलेक्स कैंपबेल नहीं चाहता कि लड़की को बचाने का श्रेय उसके सिवा किसी दूसरे को मिले, इसलिए वह कैदी को पानी में धकेल देता है। एडना खुद को बचाने वाले चार्ली को डूबते हुए देखकर परेशान हो उठती है और चार्ली को बचाने के लिए अपने ड्राइवर को पुकारती है। चार्ली को लगातार लहरों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। $15 प्रतिदिन की दर से कोनो को ड्राइवर की भूमिका निभाने का पारिश्रमिक दिया गया। उसे खुशी हुई थी, हफ्ते भर की कमाई उसने 2 दिन में कर ली थी, मगर यह सिलसिला आगे नहीं चल सका था। सिनेमा एक कलाकार से वंचित रह गया था। वहीं चार्ली को भविष्य का निजी सचिव मिल गया था। कोनो की पत्नी की सहेलियों ने बताया था कि उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर उसके पति को देखा था। कोनो की पत्नी ने एडवेंचर फिल्म देखी थी और आग बबूला होकर पति के पास पहुंची थी। उसने अपने पति को याद दिलाया था कि जापान में अभिनेताओं की इज्जत 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं समझी जाती थी। उसने यह भी कहा था कि अगर वह अभिनय जारी रखेगा तो उसके परिजन उसे हिकारत की नजरों से देखेंगे और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इस तरह संक्षिप्त समय में ही कोनो ने सिनेमा को अलविदा कह दिया। द फायरमैन, द वेगाबांड, द रिंग, इजी स्ट्रीट, द इमिग्रांट, द कंस्ट्रक्शन, बिहाइंड द स्क्रीन और 1AM म्यूचुअल के लिए चार्ली ने साल भर में ये फिल्में बनाई। चमत्कारी साहस और तीव्रता के साथ उन्होंने इन फिल्मों का निर्माण पूरा किया। वे कदम बढ़ाते हुए सफलता की बुलंदियों का स्पर्श करने लगे। 2 रील की फिल्मों से बढ़कर अधिक महत्वाकांक्षी बड़ी फिल्मों की रूपरेखा उनके दिमाग में तैयार होने लगी। साल खत्म होने पर चार्ली ने म्यूचुअल फिल्म कंपनी या किसी अन्य कंपनी के साथ करार करने से इनकार कर दिया। सभी को हैरत में डालते हुए उन्होंने अपनी निर्माण कंपनी चैपलिन स्टूडियो की स्थापना की और साल भर में $10 लाख के सौदे के बदले 8 फिल्मों के वितरण का अधिकार फर्स्ट नेशनल कंपनी को दे दिया। कानो मंडली के पूर्व प्रबंधक अल्फ्रेड रीव्स शुरू से चार्ली का नैतिक समर्थन करते रहे थे। चार्ली ने रीव्स को स्टूडियो का मैनेजर बना दिया। अब चार्ली 2 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, पहला वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना और अपनी मर्जी के अनुरूप फिल्मों का निर्माण करना। वे जीवन में पहली बार अपनी मर्जी से सृजन कार्य में जुट जाना चाहते थे। अपने बैनर के तले चार्ली ने शुरू की 2 रीलों की फिल्मों का विस्तार करते हुए ए डॉग्स लाइफ, शोल्डर आर्म्स, सन्नी साइड और ए डेज प्लेजर जैसी फिल्में बनाई। इन्हीं फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया में चार्ली के सृजन का उत्कर्ष द किट के रूप में दुनिया के सामने आया। एडना पूर्वियंस द किट तक लगातार चार्ली की सभी फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाती रही। वह चार्ली की सहचरी बनी रही और उनके प्रति मातृवत आचरण भी करती रही।
एडना के प्रति चार्ली की दिलचस्पी घटती जा रही थी, मगर वे उसकी सहचारिता के बदले में कुछ करना चाहते थे। भले ही उन्होंने एडना को अप्रसिद्धि के अंधेरे से उठाकर प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप में तराशने का काम किया था, वे जानते थे कि एडना के सामने करियर का प्रशस्त मार्ग नहीं था और वह सिर्फ उनके मार्गदर्शन में ही उल्लेखनीय अभिनय कर सकती थी। यह बात वे एडना को स्पष्ट रूप से बता भी नहीं सकते थे। अभी तक चार्ली किसी बंधन में बंध कर रहना पसंद नहीं करते थे, वे स्थायी रिश्ते की ऊब से बचना चाहते थे। एडना को क्षतिपूर्ति देने के बारे में चार्ली के मन के भीतर से आवाज आ रही थी। यह महिला उनके लिए वफादार जीवन संगिनी साबित हो सकती थी, लेकिन नियति ने इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया। चार्ली ने एडना के लिए वुमेन ऑफ पेरिस फिल्म बनाई। यह एडना की आखिरी फिल्म थी जिसमें नायिका के रूप में उसने अविस्मरणीय अभिनय किया था। पेरिस की एक महिला की भूमिका को एडना ने इस फिल्म में जीवंत किया था। अडॉल्फ मेंजो ने फिल्म में नायक की भूमिका निभाई। इसी फिल्म के जरिए मेंजो का फिल्मी सफर शुरू हुआ था। वुमेन ऑफ पेरिस देखने के बाद अगर चार्ली के मन में किसी तरह का पछतावा का भाव भी पैदा हुआ तो उसे उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। संभवतः वे अच्छी तरह जानते थे कि एडना केवल उनके मार्गदर्शन में ही मंजा हुआ अभिनय कर सकती थी। उन्होंने सोची हुई योजना के तहत फिल्म को रीजेंट फिल्म कंपनी के नाम के तहत समाविष्ट किया और उस कंपनी में एडना के नाम से शेयर आवंटित किए, जिसके आधार पर हर हफ्ते एडना को $250 मिलते थे। ऊपरी तौर पर फिल्मों को अलविदा कहते हुए एडना खुश नजर आई। शायद वह समझ चुकी थी कि चार्ली की नजरों में उसके भीतर जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। प्रथम विवाह। 28 साल की उम्र में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीर्ति व प्रसिद्धि हासिल कर लेना, सराहना और ईर्ष्या का पात्र बन जाना किसी औसत इंसान के लिए आह्लादकारी अनुभव हो सकता है, लेकिन चार्ली चैपलिन इस तरह की जय जयकार होने पर भी घमंड से दूर रहे। अगर ऐसी कामयाबी किसी आम कलाकार को मिली होती तो उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच सकता था, मगर चार्ली सदा की तरह विनम्र और शालीन बने रहे। महज 4 वर्षों की अवधि में चार्ली की जिंदगी ही बदल गई थी। एक ब्रिटिश नाटक मंडली की अख्याति के जगत से उन्होंने जब सिनेमा जगत में कदम रखा तब उन्हें इस माध्यम की संभावनाओं का अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का उपयोग करते हुए सिनेमा के पर्दे पर जो करिश्मा कर दिखाया उसकी वजह से वे दुनिया भर में मशहूर हो गए। उस समय हॉलीवुड एक उपनगर था जो सामान्य जन के मनोरंजन के माध्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। चार्ली आम जनता की नजरों में चमकते सितारे बन गए थे। वे उस समय के लोकप्रिय कलाकारों मेरी पिकफोर्ड, ओएन मूर, माबेल नॉरमंड, हेलेन फर्गुसन, लिड कोडी, फोर्ड स्टलिंग, चार्ली डे और अन्य की श्रेणी में शामिल हो चुके थे। अभी उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का निर्माण नहीं किया था, इसके बावजूद लोकप्रियता उनके कदमों को चूम रही थी। अभी तक उन्होंने अपने भीतर धधकती आग को बाहर निकालने के लिए क्षीण निर्गम मार्ग का ही चुनाव किया था। उन्हें अभी तक लोगों ने ठीक से नहीं समझा था, न ही उन्हें खुले दिल से अपनाया था, लेकिन जो कामयाबी उन्हें मिल रही थी और जिस अनुपात में उनकी कमाई बढ़ती जा रही थी उसका प्रभाव फिल्मी तबके पर पड़ना स्वाभाविक था। सन 1917 की गर्मियों में स्वतंत्रता ऋण का संग्रह करने के लिए चार्ली ने मेरी पिकफोर्ड और डगलस फारबैंक्स के साथ अपने खर्चे पर अमेरिका के प्रमुख शहरों का दौरा किया था। तीनों कलाकारों ने हजारों नागरिकों को सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए प्रेरित किया था और इस तरह जुटाए गए राजस्व का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया गया था। दौरे से लौटते समय चार्ली मेरी और ओवन मूर के निमंत्रण पर डेल की बीच पर उनसे मिलने गए। वहीं उनकी मुलाकात मिल्ड्रेड हैरिस से हुई। उस समय मिल्ड्रेड 15 साल की थी और बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में सफलता हासिल कर चुकी थी। फिल्म कोल्ड डेट में मिल्ड्रेड ने अभिनेता विलियम्स हॉट की छोटी बहन का अभिनय कर दर्शकों की प्रशंसा हासिल की थी। उस फिल्म में सिल्विया ब्रियर और अल्मा रूबेंस ने नायिका की भूमिका निभाई थी। विलियम्स हॉट ने मिल्ड्रेड का चुनाव ट्रेंगल स्टूडियो के नाटक से किया था, जहां हॉट ने अनुबंध के तहत काम किया था और जहां मिल्ड्रेड की माँ वेशभूषा कक्ष की प्रभारी थी। जिस समय चार्ली से मिल्ड्रेड की मुलाकात हुई थी उस समय वह बाल फिल्मों के निर्देशक लुइज वेबर्ट के साथ अनुबंध के तहत काम कर रही थी। मिल्ड्रेड पर्दे पर आकर्षक नजर आती थी, उसके सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखें उसके भोलेपन को दर्शाती थीं और वह गजब की खूबसूरत नजर आती थी। एडना पुरवियंस की तरह ही मिल्ड्रेड में महान अभिनेत्री बनने की प्रतिभा नजर नहीं आ रही थी। वह एक सामान्य औसत युवती की तरह थी जिसमें कुछ निश्चित खूबियां थीं। वह उसी तरह की भूमिकाएं उम्र बढ़ जाने तक निभाती रह सकती थी और बाद में गुमनामी के अंधेरे में खो सकती थी जहां से वह आई थी।
यह तो एक इत्तेफाक ही था कि चार्ली उस यादगार रात में मूर दंपति की पार्टी में शामिल होने चले आए थे और मिल्ड्रेड से उनकी मुलाकात हो गई थी। चार्ली कभी कभार ही ऐसी पार्टियों में शामिल होते थे ताकि लोग उन्हें असामाजिक या गंवार कहना न शुरू कर दें। अपने जीवन के प्राण तत्व हास्य अभिनय के प्रति समर्पित होने के नाते चार्ली हॉलीवुड में अपनी उपलब्धियों के आरंभिक दिनों से ही एक किस्म की दोहरी जिंदगी जीते रहे थे। स्टूडियो में वे समूह में जीते थे, जहां वे एक जिम्मेदार नियोक्ता, निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता की भूमिका निभाते थे और अपने सहायकों की मदद से फिल्म संबंधी कार्य करते थे। दूसरी तरफ अपने अस्तित्व के भीतर वे दूसरी जिंदगी जीते थे। यह गुप्त, भाव प्रवण और जोशीली जिंदगी थी, जिसमें असंतुलित दिन और परेशान रातों का अनुक्रमण तब तक होता था जब तक मन के भीतर पनप रहे विचारों का मानसिक उद्भवन नहीं हो जाता था और उसे दिन के उजाले में हकीकत के धरातल पर उतारा नहीं जाता था। इस तरह के जीवन के अंदाज का अंतर्निहित मूल भाव पलायन था। हमेशा उन्हें भागते रहना था। उनके इर्द गिर्द उनकी आकांक्षाएं और उनके कार्य परिस्थितियों का जो जाल बुनते थे उसे तोड़कर आगे निकलना था। बीच बीच में उन्हें पक्का यकीन हो जाता था कि मानवीय संबंध कभी भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं हो सकता। यह संबंध उन्हें जीवन की दुखद अनिवार्यता प्रतीत होने लगती। हेट्टी केली के प्रति अपने आदर्शवादी आकर्षण को छोड़कर चार्ली सही अर्थों में कभी किसी नारी के प्रति गहरे प्रेम में नहीं डूबे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पहली ही मुलाकात में चार्ली मिल्ड्रेड हैरिस के प्रति आकर्षित हुए थे। सिनेमा के महानायक को अपनी तरफ आकर्षित होते देखकर मिल्ड्रेड सम्मोहित हो उठी थी। वह यह सोचकर ही चार्ली से प्यार करने लगी थी कि इतने मशहूर और अमीर व्यक्ति की दिलचस्पी उसमें थी। वह चार्ली को व्यक्ति के रूप में नहीं, मशहूर और अमीर हस्ती के रूप में चाहने लगी थी। शायद उम्र कम होने और अपने सती स्वभाव की वजह से वह चार्ली के मस्तिष्क के गुप्त कोनों में झांक नहीं पाई थी। शायद उसे कभी भी एहसास नहीं हो पाया कि चार्ली के मन के भीतर अपनी दुनिया भी थी। चार्ली ने आदर्श प्रेमी की तरह वांछित जीवन संगिनी को हासिल करने की उम्मीद के साथ मिल्ड्रेड से प्रणय निवेदन किया। चार्ली ने अपने मन में मिल्ड्रेड की उन खूबियों की कल्पना की जो उसमें थी ही नहीं। वह बाहरी तौर पर एक आकर्षक युवती थी, लेकिन चार्ली जिस प्रतिभा की कल्पना करते थे वह उसके भीतर नहीं थी। आकर्षक महिलाओं के साथ चार्ली का बर्ताव हमेशा अलग किस्म का होता था। वे एक ऐसे छोटे लड़के की तरह बर्ताव करते थे जो अभी अभी माँ के आंचल के साए में बालों में कंघी कर और चेहरे को संवार कर बाहर निकला हो और जिस महिला के प्रति वे आकर्षित होते थे उससे खासतौर पर अपने लिए मात्र सुलभ परिचर्या की अपेक्षा रखते थे। मिल्ड्रेड अपनी माँ के साथ वेनिस के कैडिलक होटल में रहती थी। चार्ली रोज मिल्ड्रेड के कमरे में फूलों का भारी भरकम गुलदस्ता भेजते थे। चार्ली के इस अंदाज पर मिल्ड्रेड फिदा हो गई थी। उसकी माँ भी चार्ली को पसंद करती थी, उनकी सराहना करती थी, मगर दोनों के भावी जीवन को लेकर चिंतित थी। वह अफवाह सुनती थी कि चार्ली अपनी कार में घंटों उस स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे जहाँ मिल्ड्रेड काम करती थी। वे उसकी एक झलक पाने के लिए ठंड और बरसात की भी परवाह नहीं करते थे। वास्तव में श्रीमती हैरिस अभी मिल्ड्रेड की शादी के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही थी, क्योंकि मिल्ड्रेड महज 16 साल की थी। श्रीमती हैरिस ने यह बात चार्ली को भी बता दी। इस परिस्थिति में चार्ली विवाह को लेकर निश्चिंत नहीं थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सन 1917 की सर्दियों में मिल्ड्रेड हैरिस और चार्ली चैपलिन का विवाह हो गया। इस विवाह के बाद एक शिशु का जन्म हुआ जिसकी आकृति विकृत थी और जो 3 दिनों तक ही जीवित रहा था। मिल्ड्रेड ने बाद में बताया कि शिशु की मृत्यु के साथ ही उसके प्रति चार्ली के प्रेम की भी मृत्यु हो गई। यह सच से परे बात थी, लेकिन यह आरोप उसकी उस आकांक्षा के अनुरूप है जिसके तहत वह अपने पति को एक आम परिवार प्रिय जीव के रूप में ढालना चाहती थी। संभवतः वह इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहती थी कि यह विवाह आरंभ से ही क्लेशप्रद रूप से असफल रहा था। किसी भी तरह के जज्बात से दूर चार्ली के सहयोगी कोनों का कहना था कि मिल्ड्रेड से विवाह करने से काफी पहले चार्ली के मन में उसके प्रति प्रेम खत्म हो चुका था। इसके साथ साथ चार्ली को पितृत्व की जवाबदेही के बारे में सोचकर झुंझलाहट महसूस होती थी। वे स्वयं को आम मनुष्यों की कतार में देखना नहीं चाहते थे। मिल्ड्रेड भले ही खूबसूरत थी, मगर चार्ली की प्रतिभा के सामने वह औसत युवती थी। यही सोचकर चार्ली परेशान हो उठे थे। चार्ली बच्चों को और बाल मनोविज्ञान को पसंद करते थे। वे अपनी फिल्म के एक एक दृश्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए घंटों अथवा कई दिनों तक मेहनत करते थे। वे जानते थे कि उनके एक दृश्य से हजारों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती थी।
कोई भी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अमूर्त रूप से इंसानियत से प्यार करता है, मगर महान व्यक्तियों की जीवनियों से साबित होता है कि वे आम लोगों से सामान्य स्तर पर रिश्ता कायम नहीं कर पाते। पितृत्व और विवाह के बंधन को चाली आम इंसान की तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। आम जिंदगी के धर्रे के खिलाफ उन्होंने अंतःप्रेरणा के साथ विद्रोह किया था। जल्द ही मिल्ड्रेड और चाली के लिए हालात बदतर होते गए। चंचल, जिद्दी और भावनात्मक रूप से अविकसित मिल्ड्रेड उनसे औसत सामान्य पति के रूप में रूपांतरित होने की अपेक्षा रखती थी। चाली अजनबी, उदास और एकाकी व्यक्ति थे। उन्हें मिल्ड्रेड ने सर्द और बेरहम बताया था। विवाह के फैसले को लेकर चाली रुष्ट थे और उन्हें पछतावा हो रहा था। वे पलायन करना चाहते थे, जबकि मिल्ड्रेड उन्हें बंधन में बांध कर रखना चाहती थी। वह चाली के मूल स्वभाव को समझ नहीं पाई थी और जीवन साथी के काल्पनिक आसन पर चाली को बिठाना चाहती थी। लेचमान पार्क के शांत पहाड़ी इलाके में 2000 डेमाइल ड्राइव के पास मिल्ड्रेड और उसकी माँ के लिए एक मकान किराए पर लिया गया। चाली ने परिवार का जिम्मेदार सदस्य बनने का प्रयास किया। मिल्ड्रेड अलग थलग इलाके में नहीं रहना चाहती थी। वह सिनेमा जगत के केंद्र में रहकर पार्टियों का आनंद उठाना चाहती थी। चाली ने उसकी इच्छाओं की परवाह नहीं की। मकान में कई नौकरों को नियुक्त किया गया। मिल्ड्रेड के लिए कार और ड्राइवर का इंतजाम किया गया। घरेलू चीजों, कपड़ों और ऐशो आराम की चीजें खरीदने के लिए मिल्ड्रेड को पर्याप्त धनराशि दी गई। लेकिन मिल्ड्रेड समझ नहीं पाई कि चाली इन सारी चीजों को छोड़कर अपना प्यार उसे नहीं दे सकते थे। चाली सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और सैर पर निकल पड़ते थे। अक्सर साथ देने के लिए बिल्टियार होटल से कोनो को बुलाया जाता था। चाली के मकान से होटल की दूरी 10 मील थी। कोनो को पैदल चलकर आना पड़ता था। चाली मिल्ड्रेड और उसकी माँ को अपने बड़े मकान में कुड़ने के लिए छोड़ देते थे, जहाँ माँ बेटी नाश्ता करती थी और कभी कभी दो दिनों तक चाली घर नहीं लौटते थे। मिल्ड्रेड गर्भवती थी और अत्यंत संवेदनशील थी। चाली के उपेक्षापूर्ण बर्ताव को देखते हुए मिल्ड्रेड की माँ चिंतित थी कि इस तरह परेशान व चिंतित रहने से माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। ऐसा कम ही होता था जब भोजन के वक्त चाली मौजूद रहते थे। ऐसे मौके पर भी वे चिड़चिड़े बने रहते थे। उन्हें बस पलायन का विचार प्रेरित करता रहता था। रोमांस का सपना हवा हो गया था, जिसकी कल्पना कर उनकी प्रशंसिकाएं आहें भरा करती थी। मिल्ड्रेड ने चाली को मनाने के बारे में विचार किया और रिश्ते को मधुर बनाने के बारे में सोचा, जबकि उसे पता नहीं था कि चाली के मन में उसे लेकर किसी तरह का लगाव बचा नहीं रह गया था। जब चाली क्लब में रात गुजारने लगे तब मिल्ड्रेड रोज स्टूडियो में फोन करती थी। टॉम हैरिंगटन को चाली ने निर्देश दे रखा था कि काम करते समय उन्हें फोन पर बात करने के लिए नहीं कहा जाए और यही बात मिल्ड्रेड को भी बता दी जाए। कम उम्र की मिल्ड्रेड लगातार परेशान रहने लगी और ऐसी स्थिति का प्रभाव मिल्ड्रेड व बच्चे पर पड़ा। बच्चा जब जन्मा तो उसका स्वरूप विकृत था। वह इस कदर कमजोर था कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। लेचमान पार्क के मकान का 6 महीने का अनुबंध समाप्त हो गया। चाली ने बेवली हिल्स के 674 साउथ ऑक्सफोर्ड ड्राइव में दूसरा मकान किराए पर ले लिया था। अभी भी मिल्ड्रेड के लिए ऐशो आराम की तमाम चीजों का इंतजाम चाली ने किया था। स्वयं चाली हमेशा के लिए क्लब में रहने चले गए थे। बच्चे की मौत के बाद चाली विषादग्रस्त हो गए थे। दूसरी तरफ वे मिल्ड्रेड को तलाक का निर्णय लेने के लिए उकसाने की अनवरत कोशिश करते रहे थे। दूसरी तरफ मिल्ड्रेड चाली को आम पतियों के ढांचे में ढालने के हट पर अड़ी हुई थी। इस तरह गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी। चाली सार्वजनिक रूप से कई लड़कियों के साथ नजर आने लगे। वे चाहते थे कि यह सब देखकर मिल्ड्रेड अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तलाक लेने का निर्णय ले ले। वे चाहते थे कि मिल्ड्रेड नाकाबिले बर्दाश्त हालात से निजात पाने के लिए कानूनी तौर पर उनसे मुक्त होने के लिए तैयार हो जाए। जब चाली ने हॉलीवुड के सनसेट बॉलीवुड और ला ब्री एवेन्यू में चैपलिन स्टूडियो के लिए जमीन खरीदी तो सनसेट बॉलीवुड के सामने विशाल मकान भी खरीद लिया। वे मकान को तोड़कर वहां दफ्तर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन प्रचलित नियम के अनुसार वे रिहायशी इलाके में इस तरह का निर्माण कार्य नहीं करवा सकते थे। उन्होंने मकान को तोड़ने की जगह उसे सजाने संवारने पर काफी खर्च किया। उन्हें वहां रहना पसंद नहीं था क्योंकि वह मकान स्टूडियो के करीब था। वे क्लब में रहना ही पसंद करते थे। चाली ने अपने सहयोगी कोनो को पत्नी और पुत्र के साथ उस मकान में रहने की इजाजत दे दी। जल्द ही कोनो को पता चल गया कि इस फैसले के पीछे चाली का असली मकसद क्या था। रात में चाली कई लड़कियों के साथ उस मकान में पहुंच जाते और कोनो से डिनर का इंतजाम करने के लिए कहते।
फिर लिविंग रूम में फायरप्लेस के सामने भोजन परोसा जाता था। मिल्ड्रेड घर की चारदीवारी के भीतर परेशान रहने लगी। रातों में अक्सर वह कार में सवार हो जाती और ड्राइवर से ऑक्सफोर्ड व विल्साया बॉलीवुड के इलाके में ले जाने के लिए कहती, जहां से चाली कार में सवार होकर लॉस एंजल्स के एथलेटिक क्लब जाते थे। कोनो उनकी कार चलाता था। कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठे चाली मिल्ड्रेड की दयनीय आकृति की तरफ देखते थे, जो उनकी एक झलक पाने के लिए या उनसे दो बातें करने के लिए कार में बैठी इंतजार कर रही होती थी। तब उन्हें खुद पर, मिल्ड्रेड पर, दुनिया पर और जीवन की क्षणभंगुरता पर गुस्सा आता था। वैसी स्थिति में वे कोनो से कार की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहते थे। कोनो के मन में मिल्ड्रेड के प्रति हमदर्दी उभरती थी, जो अपने पति से शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी दूर हो गई थी। वह एक उपेक्षित पत्नी बन चुकी थी। जैसा चाली चाहते थे, उनकी कथित रंगरेलियों के किस्से मिल्ड्रेड तक पहुंचने लगे थे। आखिरकार मिल्ड्रेड अपनी प्रिय सहेली अनीता स्टीवर्ट की सलाह मानने के लिए तैयार हो गई थी। अनीता का कहना था कि चाली के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा करने के लिए मिल्ड्रेड को अपने घर में पुरुष मित्रों को नियमित रूप से आमंत्रित करना चाहिए। इस बात की सूचना चाली को मिलनी चाहिए और फिर इसके प्रभाव को देखना चाहिए। इस तरह शायद चाली को अपनी गलती का एहसास हो सकता था। अनीता ने समझाया कि एक गैर जिम्मेदार पति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यह अचूक उपाय हो सकता था। मिल्ड्रेड हिचकती हुई इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हुई। उसने अनीता के भाई जॉर्ज स्टीवर्ट को अपने पुरुष मित्र की भूमिका निभाने के लिए तैयार कर लिया। दोनों सहेलियों का मानना था कि यह सुरक्षित तरीका था, क्योंकि जॉर्ज अनीता का भाई था। इस तरह हर हफ्ते जॉर्ज अपनी बहन अनीता के साथ मिल्ड्रेड के घर डिनर में शामिल होने के लिए आने लगा। वे इस घटनाक्रम की खबर चाली के कानों तक पहुंचाने में भी सफल हुए। उनकी योजना सफल हुई, मगर उस तरह नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। जब चाली को पता चला कि मिल्ड्रेड एक पुरुष में दिलचस्पी ले रही थी, तो उन्हें खुशी महसूस हुई। कई महीने से विषाद का साया उनके ऊपर काबिज था, अब वे उस साये का आकार घटते हुए महसूस कर रहे थे। अब उन्हें अपने प्रति और संसार के प्रति नाराजगी कम महसूस होने लगी थी। उन्हें यकीन होने लगा था कि मिल्ड्रेड अब जॉर्ज स्टीवर्ट के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि बोझ बन चुके विवाह के बंधन से मुक्त होने के लिए वे इस प्रेम संबंध का इस्तेमाल बहाने के रूप में कर सकते थे। एक शाम कोनो कार चला रहा था और पिछली सीट पर चाली बैठे थे। वे एथलेटिक क्लब की तरफ लौट रहे थे। उसी समय चाली को विचार सूझा कि क्यों न मिल्ड्रेड के घर के परिसर में घुसकर जासूसी की जाए और पता लगाया जाए कि घर के भीतर क्या चल रहा था। कोनो को यह विचार पसंद नहीं आया था। कोनो ने तर्क दिया कि अगर चाली पत्नी के खिलाफ प्रमाण चाहते थे, तो उन्हें हॉलीवुड में प्रचलित तरीके के अनुसार किसी जासूस को नियुक्त कर देना चाहिए था, मगर चाली स्वयं ही जासूसी करने के फैसले पर अधिक बने हुए थे। कोनो निरुत्तर हो गया था और उसने कार रोक दी थी। दोनों कार से उतरे। अपने जूते उतार दो, चाली ने आदेश दिया। कोनो ने वैसा ही किया। अब तुम आगे चलो, चाली ने कहा, मैं पीछे पीछे आता हूँ। कोनो ने मन ही मन कहा, अच्छा मजाक कर रहे हैं, अगर गोली चली तो मेरी ही जान जाएगी। बिल्ली की तरह दबे पांव दोनों घर के पिछवाड़े तक पहुंच गए। वहां कोई कार नजर नहीं आ रही थी। माहौल शांत था, केवल ऊपरी मंजिल पर मिल्ड्रेड के बेडरूम में रोशनी नजर आ रही थी। दोनों कार में वापस लौट आए। तीन रातों तक यह सिलसिला दोहराया गया। फिर चिर प्रतीक्षित रात आ गई। घर को रोशनी से जगमगाते हुए देखकर चाली पुलकित हो उठे। पहले की तरह चाली और कोनो दबे पांव घर के परिसर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दो कारें खड़ी थी। कोनो के पीछे चलते हुए चाली एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के शीशे से वे भीतर के दृश्यों को देख सकते थे, मगर जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, एक कड़कती हुई मर्दानी आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें ठिठक जाने का आदेश दिया गया था। कोनो ने अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनी और समझ गया कि मुसीबत के मुंह में उसे अकेला छोड़कर चाली भाग चुके थे। कोनो ने सहमते हुए देखा, एक तगड़ा आदमी पिस्तौल लेकर खड़ा था और उसे घूर रहा था। वह एक जासूस था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जासूस दहाड़ा। क्यों क्यों पूछ रहे हो? यह मेरा घर है, हकलाते हुए कोनो ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहते। यहाँ से भागो और जिस बौने के लिए तुम काम करते हो, उससे भी भाग जाने के लिए कहो। कोनो दौड़ता हुआ गया और सारा हाल चाली को बता दिया। चाली ने कोनो से जूते पहनकर जासूस के पास जाने के लिए कहा और रुपए के बदले उनकी खातिर काम करने का प्रस्ताव देने के लिए कहा। सहमते हुए कोनो एक बार फिर दरवाजे की तरफ गया।
वह शंकित था कि कहीं मिल्ड्रेड का जासूस उसे गोली न मार दे और अदालत में उसे घुसपैठिया न साबित कर दे। जासूस सतर्क बना हुआ था। अब तुम क्या चाहते हो? गोली की तरह सवाल उसके मुंह से निकला था। चैपलिन महाशय तुमसे मिलना चाहते हैं, कोनो ने नर्म स्वर में उत्तर दिया। न तो मैं चैपलिन से बात करना चाहता हूँ, न ही तुमसे। उनकी पत्नी उन्हें यहाँ देखना नहीं चाहती, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, कोनो ने राज भरे स्वर में कहा, अगर तुम चैपलिन महाशय को उनकी पत्नी की हरकतों की सूचनाएं दोगे तो वे तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। जासूस ने कठोर स्वर में कहा, अपने मालिक से कहो मुझे बात नहीं करनी है। मैंने इस महिला की हिफाजत की जवाबदेही की है और तुम्हारा मालिक इतना अमीर नहीं है कि मेरी वफादारी खरीद सके। कोनो अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट आया। उसने जासूस की बात चाली को बता दी। इसके बाद कई हफ्ते तक चाली ने अपनी पत्नी की जासूसी करने की कोई कोशिश नहीं की। कोनो को लगा कि चाली ने इस विषय को भुला दिया था, लेकिन यह बात नहीं थी। कुछ हफ्ते के बाद चाली उत्तेजित मुद्रा में कोनो के कमरे में पहुंचे। मिल्ड्रेड ने एक जलयान किराए पर लिया था, उन्होंने बताया। 8 लोगों के साथ मिल्ड्रेड की पार्टी रात भर चलती रही थी। उन्होंने कुछ मेहमानों के नाम सुने थे, जिनमें अनीता स्टीवर्ट और उसके भाई जॉर्ज भी शामिल थे। उन्होंने अपने वकील आर्थर राइट और सहायक टॉम हैरिंगटन को फोन पर तैयार रहने के लिए कहा। वे लॉस एंजल्स के समुद्र तटीय नगर सैन पेड्रो जाकर पार्टी के बारे में सूचनाएं एकत्र करना चाहते थे। तीनों कार से सैन पेड्रो पहुंचे, जहां काफी पूछताछ करने के बाद उन्होंने उस जलयान का पता लगा लिया जिस पर मिल्ड्रेड की पार्टी आयोजित हुई थी। जलयान का कप्तान नॉर्वे का निवासी था। उसे घर से बुलाया गया ताकि उससे पार्टी का विवरण पूछा जा सके। कप्तान ने उन्हें बताया कि पार्टी में किसी का आचरण संदेहजनक नहीं था। मिल्ड्रेड शालीनता के साथ पेश आ रही थी। किसी ने शराब नहीं पी थी। ग्रामोफोन बजाकर सभी नृत्य कर रहे थे। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। चाली की दिलचस्पी अब जासूसी करने में नहीं रह गई थी। वे फिल्म बनाने में नए सिरे से जुट गए थे। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि मिल्ड्रेड अपने खुश रहने के बहाने तलाश रही थी। तलाक और द किड। चाली विख्यात, देखने में अच्छे और अत्यंत धनी थे। वे आसानी से दिल दे बैठते थे। उनके इसी स्वभाव ने उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का अवसर पाने और उनके ऐश्वर्य में साझेदारी करने के लालच में फंसी सुंदरियों का लक्ष्य बना दिया था। परेशानी तो यह थी कि चाली के दिलो दिमाग पर उनका काम पूरी तरह हावी था। यही वजह थी कि वे आसानी से और जल्दी ही प्यार के भंवर से निकल आते थे। मिल्ड्रेड के साथ उनका वैवाहिक जीवन शुरू से ही निराशाजनक रहा। चाली इतने नाखुश थे कि उनके लिए फिल्में बनाना भी मुश्किल हो गया था। इस सब के बावजूद उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने डगलस फेयरबैंक्स, जिन्हें वे अपना एकमात्र और वास्तविक मित्र मानते थे, उनकी पत्नी मैरी पिकफोर्ड और फिल्म निर्देशक डी डब्ल्यू ग्रीफिथ के साथ साझेदारी में एक स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित करने की योजना बनानी शुरू की। इस स्टूडियो का नाम यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रखा जाना तय हुआ। 7 जुलाई 1919 को मिल्ड्रेड ने एक शिशु को जन्म दिया, जिसकी मौत हो गई। चाली के पास इस दुख का सामना करने का केवल एक ही तरीका था। वे एक नई फीचर फिल्म द किड के निर्माण में व्यस्त हो गए। कम से कम मुख्य भूमिका के लिए चाली के पास एक कुशल अभिनेता मौजूद था, 4 वर्षीय जैकी लूगन। चाली ने जैकी के पिता को, जो एक संकी नर्तक थे, मंच पर उनके एक नृत्य प्रस्तुतिकरण के दौरान देखा था। अपना कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर वे अपने बेटे को मंच पर लाए थे। जैकी ने अपने पिता की नकल बड़े चाव से उतारी थी और सारे दर्शकों का दिल जीत लिया था, ठीक वैसे ही जैसे कि कम उम्र के चाली ने एक बार किया था। चाली इस परिवार से उनके होटल में मिले। चाली और यह बालक दोनों एक दूसरे को भा गए। चाली ने जैकी को बहला फुसलाकर उससे सुंदर अभिनय कराया। द ट्रम्प और द किट की कहानी हर किसी के दिल को छू गई और फिल्म को अपार सफलता मिली। अंततः इसे 50 देशों में प्रदर्शित किया गया। फिल्म द किट में एक अन्य सामाजिक समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया था, जिसकी वजह से चाली बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, परित्यक्त बच्चों के साथ किया जाने वाला व्यवहार। वे भय के उस एहसास को कभी नहीं भुला पाए जो उन्हें अनाथालय में जाते समय हुआ था। फिल्म के पहले दृश्य में एडना को, जिसका एकमात्र पाप यह था कि वह माँ बन गई थी, अपने शिशु के साथ अस्पताल से बाहर आते दिखाया गया है।
आत्महत्या करने का मन बनाकर वह अपने नवजात शिशु को एक महंगी कार की डिक्की में लिटा देती है और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ जाती है जिसमें बच्चा पाने वाले से उसकी देखभाल और हिफाजत करने की विनती की गई है। वह कार चुरा ली जाती है और शिशु को सड़क पर एक कोने में डाल दिया जाता है जहां ट्रंप की नज़र उस पर पड़ती है और वह न चाहते हुए भी उसका अभिभावक बन जाता है। उसके बाद ट्रंप को यह सीखना पड़ता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वह हेयॉक से पालना बनाता है और पुराने कॉफी पात्र से दूध पिलाने की बोतल। जैकी लूगन ने उस बच्चे की भूमिका उसके 5 वर्ष का हो जाने के बाद से निभाई है। चार्ली और जैकी की दोस्ती पर्दे पर जीवंत हो उठती है और उनके बीच मर्मस्पर्शी व प्यार भरा संबंध स्थापित हो जाता है। यह बात फिल्म को और आकर्षक बना देती है। किट और ट्रंप अपने धंधे में लग जाते हैं और साथ ही कानून भी उनके पीछे पड़ जाता है। वे सारी परिस्थितियों का अत्यंत हास्यास्पद ढंग से मुकाबला करते हैं, लेकिन फिल्म द किट की माँ बच्चे को नहीं भुला पाई है। इन दिनों वह एक सफल ओपेरा गायिका है। एक झगड़े के दौरान उसका सामना अपने बच्चे और ट्रंप से होता है, लेकिन वह बच्चे को पहचान नहीं पाती। ऐसा आगे चलकर उस समय होता है जब बच्चा बीमार पड़ जाता है और पहले स्वयं ही बच्चे का इलाज करने की कोशिशों के बाद ट्रंप डॉक्टर को बुलाता है और एडना को पता चलता है कि वह लड़का उसी का है। डॉक्टर द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वही उस लड़के का बाप है, चार्ली उस बच्चे के साथ मिली चिट्ठी डॉक्टर को दिखा देता है। अनाथालय के अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि लड़के की सही ढंग से परवरिश की जा सके और उसका ध्यान रखा जा सके। साथ ही एडना को बताया जाता है कि वह लड़का उसका गुमशुदा बच्चा लगता है क्योंकि उसके बारे में एडना द्वारा दिया गया विवरण बच्चे की कहानी से मेल खाता है। डॉक्टर रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई चार्ली की जीवनी में इस दृश्य को फिल्म का अत्यंत असाधारण और निस्संदेह समूचे सिने इतिहास का अविस्मरणीय दृश्य बताया गया है। लड़का अनाथालय की लॉरी में भटके हुए बच्चे की तरह गठरी बना बैठा है। निराश ट्रंप, जिसके पीछे पीछे पुलिस का एक सिपाही चल रहा है, गाड़ी को रोकने और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गाड़ियों की छतों को लांघता हुआ आगे बढ़ता है। वह लड़के को अनाथालय के खतरों का सामना करने से बचा लेता है और इस तरह से हीरो बन जाता है। फिल्म का अंत उस दृश्य के साथ होता है जिसमें लड़के का अपनी माँ से मिलन होता है और ट्रंप को भव्य बंगले में आमंत्रित किया जाता है। फिल्म द किट की सफलता एक प्रकार से चार्ली की दूसरी फिल्मों से भिन्न थी। इस फिल्म में नाटक अधिक और कॉमेडी बहुत कम है। दर्शकों ने इस फिल्म को इसकी सशक्त भाव प्रवणता के कारण पसंद किया। परित्यक्त बच्चे को प्यार की आवश्यकता थी और गरीब तथा पिता होने के अयोग्य ट्रंप एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बच्चे को यह प्यार मुहैया करा सकता था। पिता और बेटे के बीच विकसित प्रेम का वह बंधन इतना सशक्त था कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन चार्ली की निजी दुनिया टूटती बिखरती रही। अप्रैल 1920 में मिल्ड्रेड ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया और उसी वर्ष नवंबर में सरकारी तौर पर वे दोनों अलग हो गए। जीवन के पथ पर कंगाली के जीवन से शुरुआत करने के बावजूद चार्ली 26 वर्ष की आयु में विश्वविख्यात अभिनेता बन चुके थे। वे संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रशंसकों ने रॉक सितारों की तरह सराहा था। 22 अगस्त 1921 को चार्ली ने अचानक उस नई फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया जिस पर वे काम कर रहे थे और उन्होंने यूरोप जाने की घोषणा कर दी। 5 दिन बाद वे जहाज से लंदन रवाना हो गए। उनके मस्तिष्क में अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ घूम रहे थे। सन 1910 में फ्रेड कानो के साथ वे एक युवा हास्य कलाकार की हैसियत से समुद्र के रास्ते अमेरिका गए थे। वे इसलिए अत्यंत कृतज्ञ थे कि उन्हें काम मिल रहा था। अब मात्र 11 वर्षों के बाद वे संभवतः दुनिया के अत्यंत विख्यात व्यक्तियों में से थे। लंदन तक की रेल यात्रा के दौरान हर स्टेशन पर उनकी गाड़ी को गुजरते देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी और लंदन का स्टेशन तो हर्षोन्मत्त भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वे जिस होटल में ठहरे हुए थे उसके पिछले दरवाजे से निकलकर उन स्थानों को देखने गए जहां उन्होंने भूख और चिंताओं से भरा अपना बचपन गुजारा था और जिसकी यादें उन्होंने अपनी अनेक फिल्मों में ताजा की थी। वह एक अलग दुनिया थी। वह एक भिन्न चाली था जिसे वे याद कर रहे थे। फिर भी ऐसी चीजें भी थी जिनमें शायद ही कोई परिवर्तन हुआ था। वे उन लोगों से भी मिले जिनसे वे अपने बचपन से परिचित थे। भले ही उन्होंने गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति अपना सम्मान और गरीबी से ग्रस्त लोगों के प्रति अपनी दया भावना को बनाए रखा था, अब यह दुनिया उनकी दुनिया नहीं रही थी। वे अब दूसरे लोगों से मिल रहे थे, विख्यात हस्तियां, लेखक, अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ, और वह भी बराबरी के आधार पर।
वे कभी फ्रांस जाते तो कभी जर्मनी, लेकिन अक्टूबर 1921 में वे अमेरिका लौट आए। लॉस एंजल्स पहुंचकर चार्ली फर्स्ट नेशनल स्टूडियो के साथ अपने अनुबंध के तहत अंतिम फिल्में पूरी करने में लग गए। इस स्टूडियो ने उन्हें बहुत तंग किया था। एक बार तो उन्होंने स्टूडियो पर $10 करोड़ के हर्जाने का दावा ठोंकने का करीब करीब इरादा कर लिया था। वे इस स्टूडियो से छुट्टी पाना चाहते थे। फिल्म द पिलग्रिम पूरी कर लेने के बाद चार्ली यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए फिल्म बनाने की स्थिति में आ गए। नई फिल्म उनकी 72वीं फिल्म थी। इसमें उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी जिसने उनके दर्शकों को उलझन में डाल दिया था, लेकिन अपनी अगली फिल्म में उन्होंने दर्शकों को उनका ट्रम्प वापस लौटा दिया और वह भी पहले की तुलना में कहीं अधिक कल्पनाशील ढंग से। उन्होंने अपने लिए पुनः एक असंभावित विषय का चुनाव किया और अपनी हास्य प्रतिभा को एक भारी सामाजिक अन्याय को खत्म करने में लगाया। वे क्लोंडाइक में खानों से सोना निकालने वालों की कठिनाइयों के बारे में पढ़ते रहते थे। उन्होंने फिल्म द गोल्ड रश बनाने का फैसला किया जो उनकी अत्यंत प्रसिद्ध फिल्मों में से थी। यह फिल्म कॉमेडी के क्षेत्र में नए प्रयोगों से भरी थी, लेकिन इसमें कारुणिकता के क्षण भी थे। बेचारे चार्ली को अपनी प्रेमिका और उसकी सहेलियों के लिए डिनर तैयार करने के मामले में काफी परेशानी और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। अंत में चार्ली उस लड़की का दिल जीतने में सफल हो जाते हैं और सोना पाने में भी। आज की तरह उन दिनों विजुअल इफेक्ट मौजूद नहीं थे। सारा काम विस्तृत मॉडल बनाकर चतुराई भरी युक्तियों तथा कैमरों के शॉट्स की मदद से और काट छांट करके किया जाता था। स्टूडियो में पहाड़ों और बर्फीले तूफान का दृश्य तैयार करने के लिए 239,577 फीट लकड़ी, 22,750 फीट प्लास्टर और 285 टन नमक, 100 बैरल आटा और 4 गाड़ी रंगीन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की आवश्यकता थी। चार्ली ने सामान्य से कहीं अधिक फिल्म की शूटिंग कर डाली थी। उन्होंने 231,505 फीट फिल्म का संपादन करके इससे 8,555 फीट लंबी फिल्म तैयार की। हालांकि पर्दे पर चार्ली की कहानी का अंत सुखद रहा था, वास्तविक जीवन में स्थिति एकदम भिन्न थी। नवंबर 1924 में चार्ली ने अपनी फिल्मों की नायिका लिटा ग्रे से विवाह कर लिया। यह विवाह भी पहले से कोई ज्यादा बेहतर साबित नहीं हुआ। इस विवाह से 2 बेटों सिडनी और चार्ल्स का जन्म हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन बद से बदतर होता चला गया और सन 1926 में लिटा बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई। चार्ली इस दुख से उबर तो गए थे, लेकिन यह उनके जीवन की एक और निराशाजनक अवधि थी। अपने निजी जीवन में उथल पुथल के बावजूद चार्ली ने अपना काम जारी रखा और द सर्कस नामक फिल्म बनाई। सितंबर 1927 में स्टूडियो में आग लग जाने पर हालात और बिगड़ गए। इस अग्निकांड में फिल्म का पूरा सेट जलकर राख हो गया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। रस्सी पर चलना सीखने में उन्हें केवल 1 सप्ताह लगा। इस सारे काम से निपट जाने पर उन्होंने जो राहत की सांस महसूस की थी वह जल्दी ही दुख में बदल गई। प्रयोगशाला के घटिया काम से सारे वायटेक बर्बाद हो गए थे। उन्हें सारा काम दोबारा करना पड़ा। चार्ली ने उस रस्सी पर कुल मिलाकर 700 से अधिक टेक दिए थे और वह भी केवल कुछ 1 मिनट की फिल्म के लिए। शायद शेरों के पिंजरे में बिताया गया उनका समय और भी ज्यादा भयावह रहा था। इस दृश्य को पूरा करने के लिए उन्हें 200 टेक देने पड़े थे और बाद में इस संबंध में उन्होंने कहा था कि फिल्म में उनके चेहरे पर जो भय दिखाई देता था वह कोई अभिनय न होकर वास्तविक था। लीटा से तलाक मिल जाने और संघीय कर विभाग की ओर से मांग पत्र प्राप्त होने का अर्थ यह था कि चार्ली को पैसे की बेहद जरूरत थी। फिल्म द सर्कस का निर्माण कार्य पूरा होते ही वे सिटी लाइट्स बनाने में लग गए, लेकिन उन्हें अभी एक और विपत्ति का सामना करना था। 28 अगस्त 1928 को उनकी मां हाना का निधन हो गया। वे बेहद बीमार थी, लेकिन वे और चार्ली एक दिन पहले तक साथ बैठकर हंस बोल रहे थे। उसी रात वे बेहोश हो गईं और अपनी मृत्यु से पहले केवल 1 ही बार होश में आई थी। उन्हें दुख भोगते देखना चार्ली के लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा था। अब वे उनके सिरहाने खड़े थे और देख रहे थे कि मौत ने उनकी सारी उलझनों को दूर कर दिया था। उनके मन में सारे गीतों और कहानियों की तथा गर्मियों में शाम के समय पाई जाने वाली आइसक्रीम की यादें ताजा हो उठी थी और वे बहुत रोए थे। हाना के संबंध में चार्ली ने कहा, अगर मेरी मां न होती तो मैं नहीं समझता कि मुझे पेंटोमाइम मूक अभिनय में इतनी सफलता मिली होती। वे अपने समय की महानतम पेंटोमाइम कलाकारों में से थी। अगले कुछ वर्षों में चार्ली ने अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से 3 का निर्माण किया, सिटी लाइट्स 1931, मॉडर्न टाइम्स 1936 और द ग्रेट डिक्टेटर 1940।
बोलती हुई फिल्में बनने लगी थी, लेकिन चार्ली को उन पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि जिन सीमाओं को मूकाभिनय की भाषा लांघ सकती थी, उन्हें संवाद कभी नहीं लांघ सकते थे। हालांकि वॉर्नर ने उन्हीं दिनों, जिन दिनों चार्ली ने अपनी फिल्म सिटी लाइट्स पर काम करना शुरू किया था, पहली बोलती फिल्म द लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क रिलीज कर दी थी, जबकि चार्ली मूक फिल्म शैली पर ही डटे रहे। सिटी लाइट्स उनकी बाद की सभी फिल्मों में संभवतः महानतम फिल्म थी, लेकिन इसका निर्माण करने में उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा और इसे पूरा करने में 2 वर्ष लगे थे। कहानी में ट्रम्प एक फूल बेचने वाली अंधी महिला का इलाज कराने के लिए पैसे बचाता है, जिसकी कल्पना में वह लखपति है। उसकी आंखों की रोशनी लौट आने पर ट्रम्प को यह बताते हुए बहुत घबराहट होती है कि उसके इलाज के लिए पैसा किसने दिया था। चार्ली पूर्णता के कायल थे और उन्होंने छोटे छोटे दृश्यों को बार बार फिल्माया था, पूरी हो जाने पर इस फिल्म में कोई कमी दिखाई नहीं दी। यह एक संतुलित हास्य प्रसंगों और संवेदनशीलता से भरपूर फिल्म थी। उन्होंने 8,093 फीट लंबी फिल्म बनाने के लिए 3,14,256 फीट फिल्म की शूटिंग की थी। कांच छांट करने के बाद जो कुछ बच रहा था वह उत्कृष्ट था। फिल्म का प्रीमियर फरवरी 1931 में लंदन में हुआ और चार्ली उसमें शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। इस बार वे हेनवेल स्थित अपना पुराना स्कूल देखने गए और वहां जाकर अपनी पुरानी यादों में खो गए। इस यात्रा ने उनके अतीत को उनके सामने इतनी विविधता पूर्वक प्रस्तुत किया कि पिछले दिनों की सारी कटुता दूर हो गई लगती थी। चार्ली के पास अपनी जन्मभूमि से संबंधित कुछ यादें ही थीं और देशभक्ति संबंधी उनकी दो टूक बातों से तो कई लोग नाराज भी हो गए थे। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि देशभक्ति आदमी को कहां पहुंचा सकती है, पूर्ण अनभिज्ञता और कट्टरता की ओर। विश्व को जिन विकृतियों का शिकार होना पड़ा है, उन सब में देशभक्ति सबसे बड़ा पागलपन है। मैंने पिछले कुछ महीनों में सारे यूरोप का भ्रमण किया है। हर जगह देशभक्ति मौजूद है और इसका नतीजा एक अन्य युद्ध के रूप में निकलने जा रहा है। उनका कहना ठीक ही निकला, हालांकि वह युद्ध 8 वर्ष बाद छिड़ा था। वे दूर पूर्व की यात्रा पर गए, जहां उनका यूरोप सरीखी हार्दिकता के साथ स्वागत हुआ। चार्ली की खामोशी को अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। लिटिल ट्रम्प सभी का दोस्त जो था। चार्ली जून 1932 में हॉलीवुड लौटे। अब वे 43 वर्ष के थे और उन सारी तकनीकों व परेशानियों के कारण बहुत दुखी थे जो उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान देखने को मिली थी। उन्होंने सर्वत्र मौजूद बेरोजगारी, गरीबी और अन्याय की समस्याओं को हल करने के लिए अर्थशास्त्र की एक कारगर पद्धति तैयार करने की कोशिश की। उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी कि वे समस्याओं में निहित पेचीदगियों को समझ पाते। उनकी पद्धति कारगर साबित नहीं हो सकती थी। वे तो बस फिल्में बना सकते थे। और इस तरह मॉडर्न टाइम्स उनकी अगली फिल्म थी। इसमें ट्रम्प को एक ऐसी दुनिया में उलझा दिखाया गया है जिसमें धन का महत्व इंसान से ज्यादा है, जिसे एक भारी भरकम मशीन के दंतीले पहियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंत में ट्रम्प उस बेसहारा युवती के साथ भाग निकलता है जिसके साथ उसने दोस्ती गांठ ली थी। हमेशा की तरह यह फिल्म भी एक कॉमेडी थी और इसके माध्यम से चार्ली ने अमेरिका के 50 लाख बेरोजगारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आरंभिक फिल्मों में ट्रम्प एक गरीब था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में वह उन लाखों करोड़ों आम लोगों में से था जो हड़तालों, कारखानों में कार्य संबंधी परिस्थितियों, कम वेतन या बेरोजगारी से जूझ रहे थे। कुछ वर्षों बाद मॉडर्न टाइम्स को इस बात के सबूत के रूप में देखा गया कि चार्ली कम्युनिस्ट थे। चार्ली को उस लड़की से प्यार हो गया जिसने उस फिल्म में बेसहारा युवती की भूमिका निभाई थी। पॉलेट गोडार्ड और चार्ली ने शादी कर ली। चार्ली के साथ निर्वाह करना मुश्किल था क्योंकि वे जल्दी ही बुरा मान जाते थे और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो उठते थे। पॉलेट एक समझदार व प्रतिभाशाली युवती थी और उसे चार्ली के साथ जीवन बिताना मुश्किल लगा होगा। उसने खामोशी के साथ फिल्म जगत में अपनी जगह बना ली और 7 वर्ष बाद सन 1942 में चार्ली का तीसरा विवाह भी असफल हो गया। यह 1938 का वर्ष था। चार्ली का अनुमान सही निकला। युद्ध छिड़ने वाला था। जर्मनी में रुडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। नस्ल के शुद्धिकरण की योजना के तहत अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से यहूदियों की हत्या की जा रही थी। हिटलर विशाल रैलियों के जरिए जर्मन लोगों की देशभक्ति और महत्वाकांक्षा के उन्माद को भड़का रहा था। विचित्र बात तो यह थी कि जर्मनी के बाहर ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं थी जो यह जानते थे कि वहां क्या कुछ हो रहा था। बहुत से लोगों ने हिटलर को एक खतरनाक कट्टरपंथी के रूप में नहीं बल्कि एक अड़ियल विदूषक के रूप में देखा था।
स्वयं चाली ने जर्मनी व स्पेन की घटनाओं पर ध्यान दिया और वे अधिकाधिक परेशान हो उठे। अक्टूबर 1938 में उन्होंने फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर पर काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने दुनिया को हिटलर की सम्मोहनकारी लोकप्रियता के खतरे के प्रति चेतावनी देने का प्रयास किया। उन्होंने तानाशाह हाइनकेल और उसके डबल एक यहूदी दर्जी दोनों की भूमिका अभिनीत करके हिटलर का मजाक उड़ाया। काम चलाओ व्यवस्था और मूक फिल्मों के दिन लग चुके थे। अब फिल्मों के लिए उचित पटकथा और ध्वनि की व्यवस्था होती थी। यह एक अद्भुत हास्य फिल्म थी। चाली को लगा कि वे कुछ कहना चाहते थे। छोटा दर्जी, जिसने हाइनकेल की जगह ले ली थी, लंबा भाषण देता है जिसमें वह सेना से विवेक से काम लेने की अपील करता है। हमें विवेकपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए लड़ना चाहिए, ऐसा विश्व जिसमें विज्ञान और प्रगति से मानवता की खुशहाली की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। सैनिकों, हमें लोकतंत्र के नाम पर संगठित होना चाहिए। यह एक निराशाजनक प्रयास था। जब सन 1940 में यह फिल्म रिलीज हुई, संपूर्ण यूरोप युद्ध में फंसा था और सारी दुनिया जानती थी कि वहां क्या हो रहा था। अभी तक अमेरिका यूरोपीय युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका को मजबूरन युद्ध में शामिल होना पड़ा। चाली को इस बात से कष्ट पहुंचा कि अमेरिका को, वह देश जिसे वे बेहद चाहते थे, न तो जर्मनी के आक्रमणकारियों के भयंकर प्रहारों के विरुद्ध अदम्य साहस के साथ डटे रूस की तकलीफों के बारे में कोई जानकारी थी और न ही उसके प्रति किसी प्रकार की चिंता। चाली को रूसी नेता स्टालिन पर भरोसा नहीं था, लेकिन वे रूसी जनता का सम्मान करते थे और उन्होंने कई रैलियों में भाषण दिए तथा रूस के लिए सैनिक सहायता की मांग की। उन्होंने श्रोताओं को कॉमरेड के नाम से संबोधित करके उन्हें विस्मय में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं इंसानों की प्रतिक्रिया को समझता हूँ। कम्युनिस्ट अन्य दूसरों से अलग नहीं है। जब उनका बाजू या टांग कट जाती है तो उन्हें भी उसी तरह तकलीफ होती है जिस तरह इस हालत में यह तकलीफ हम सबको होती है, और उनकी मौत भी हमारी तरह ही होती है। कम्युनिस्ट माँ भी दूसरी माताओं जैसी है। जब उसे यह दुखद समाचार मिलता है कि अब उसके बेटे लौटकर नहीं आएंगे तो वह भी दूसरी माताओं की तरह रोती बिलखती है। रूसियों को युद्ध में अपने 2-2 करोड़ लोगों के जीवन की आहुति देनी पड़ी। लेकिन इस प्रकार की बातें आने वाले वर्षों में चाली के विरुद्ध काम में लाई गईं। इसी बीच चाली को भी कुछ निजी परेशानियां भुगतनी पड़ी। जॉन बेरी नाम की एक पागल महिला बंदूक लिए उनके घर आ धमकी और उसने स्वयं को मार डालने की धमकी दी तथा यह दावा किया कि चाली उसके बच्चे के पिता थे। हालांकि यह बात झूठ साबित हो गई, मगर चाली को 3 वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़े। लेकिन इस बार उन्हें कठिनाइयों का सामना अकेले ही नहीं करना पड़ा। सन 1942 में उनकी मुलाकात एक किशोरी से हुई जो महान अमेरिकी नाटककार यूजीन ओ'नील की बेटी थी। उन दिनों वह 17-18 वर्ष की थी। वह और चाली एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। उस किशोरी का नाम था ऊना। ऊना के चेहरे पर ऐसी कांति, सौम्यता और शर्मीलापन दिखाई पड़ता था जो उसे दूसरों से भिन्नता प्रदान करता था। लेकिन चाली को उसमें बुद्धि और साहस दोनों दिखाई दिए। ऊना की माँ ने विवाह करने की उनकी योजना को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन शायद उसके पिता इसके खिलाफ थे। उनकी यह बात समझ में आती थी। आखिर चाली 54 वर्ष के थे और वे पहले ही 3 बार विवाह कर चुके थे। चाली और ऊना ने ऊना के 18 वर्ष का होने तक विवाह न करने का निश्चय किया। उसके बाद ऊना को अपने पिता की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं थी। 16 जून 1943 को चाली और ऊना का विवाह हो गया। 1 अगस्त 1944 को उनकी पहली बेटी जेटलिन का जन्म हुआ। जनवरी 1945 में चाली ने मोशिये वेर्दू नामक विचित्र कॉमेडी फिल्म बनानी शुरू की, जो फिर से एक भयावह वास्तविकता पर, लांद्रू नामक एक हत्यारे पर आधारित थी। लिटिल ट्रैम्प जा चुका था। मोशिये वेर्दू में चाली पैसे के लिए हत्या करने वाले एक परिष्कृत पके बालों वाले भद्र पुरुष के रूप में पर्दे पर आते हैं। यह अत्यंत कटु व्यंग्य था, क्योंकि फिल्म की पटकथा का पात्र, जो हथियारों का निर्माता है, एक सम्मानित व्यवसायी है, भले ही वह हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। वेर्दू को मृत्युदंड दे दिया जाता है। हथियारों का निर्माता पहले की ही तरह अपना धंधा जारी रखता है। बेरी का मुकदमा भी छूट चुका था। आखिरकार लगता था कि उन्हें शांति और खुशहाली दोनों हासिल हो गए थे। लेकिन अमेरिका साम्यवाद के प्रति एक प्रकार के उन्माद और जुनून की हद तक भय का, उसके प्रति घृणा का शिकार हो गया था। वेर्दू के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय संवाददाता चाली पर कम्युनिस्टों के साथ सहानुभूति रखने का आरोप लगा रहे थे।
अपने प्रश्नों के उत्तर में चाली द्वारा कही गई संयत और विवेकपूर्ण बातों पर संवाददाताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया था। चाली ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया कि उन्होंने युद्ध में रूसियों के साहस की सराहना की थी और यह कि उनके उदार मित्र भी थे। उन्हें अश्वेत अभिनेता पॉल रॉबसन और नाटककार बेर्टोल्ट ब्रेख्त जैसे व्यक्तियों के साथ अपनी मित्रता पर गर्व था, जो कम्युनिस्ट थे। अमेरिका ने उनके लिए जो कुछ किया था उसके लिए चाली सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहे थे। लेकिन उन्होंने स्वयं को सर्वप्रथम और सर्वोपरि विश्व का नागरिक माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक शांति प्रेमी हूँ। समझदार लोग उन पर इस प्रकार के आरोप लगाए जाने से क्षुब्ध निराश थे और उनके समर्थन से चाली को बल मिला, लेकिन अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी की ताकत और उसका उन्माद बढ़ता ही जा रहा था। देश में अत्यंत निष्क्रिय वामपंथी संगठन के साथ संबंध या सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने उसे गद्दार करार दे दिए जाने का खतरा मौजूद था। कैथोलिक युद्ध अनुभवी चाली को निर्वासित करने की मांग करने लगे। एक अवसर पर तो FBI ने चाली से 4 घंटे तक पूछताछ भी की थी। उसके अधिकारियों ने उनसे उनके निजी जीवन और उनके जाति मूल के बारे में प्रश्न किए थे। उन्होंने साहसपूर्वक यह कहने से साफ इनकार कर दिया था कि उन्हें सभी कम्युनिस्टों से नफरत थी। उत्पीड़न के इसी वातावरण की पृष्ठभूमि में उन्होंने नई फिल्म पर काम शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि स्टूडियो खाली रहे और वहां काम न हो। इस फिल्म का शीर्षक था लाइमलाइट। यह संगीत परिसर के एक बूढ़े कलाकार और उस युवती की कहानी थी जिसकी वह बूढ़ा कलाकार सफलता के पायदान ऊपर चढ़ने में मदद करता है। इस फिल्म में उन्होंने लंदन के तथा अपनी बाल्यावस्था के रंगमंचीय संस्मरणों का इस्तेमाल किया था। यह एक भावुकतापूर्ण फिल्म थी, लेकिन विविधतापूर्ण कॉमेडी और पुराने संगीत परिसरों से जुड़ी भावनाएं उनकी अधिकांश फिल्मों में देखने को मिलती थी। ऊना की तरह सिडनी ने भी चाली को समर्थन दिया। सन 1946 में उनके दूसरे बेटे माइकेल का और 1949 में जोसेफीन का जन्म हुआ। विक्टोरिया का जन्म सन 1951 में हुआ। अमेरिका की कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं को एक नई और अधिक उन्मादपूर्ण आवाज मिल गई थी। सन 1950 में जोसेफ मेकार्थी नामक एक सेनेटर ने घोषित किया कि विदेश विभाग के पास 200 कम्युनिस्टों की एक सूची है। उन्माद की इस नई लहर के दौर में करीब करीब हर किसी पर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा दिया जाता था तथा अदालत में मेकार्थी एवं उसके दुमछल्लों द्वारा उस व्यक्ति से जिरह की जाती थी और उसे अपमानित किया जाता था। शालीन बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग नौकरियों से हाथ धोते जा रहे थे तथा उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होती जा रही थी। चारों ओर झूठ का बोलबाला था। लोगों ने पुरानी रंजिशों का बदला लेने के लिए मेकार्थी का इस्तेमाल किया या फिर अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोष लोगों पर आरोप लगाए। हॉलीवुड विशेष रूप से जोखिम से भरा था। कुछ साहसी पुरुषों और महिलाओं ने इस पागलपन के विरुद्ध आवाज उठाई थी, लेकिन कई लोग अपना सारा कुछ खो बैठे थे और उन्हें फिल्म उद्योग में दोबारा कभी काम नहीं मिल पाया था। फिल्म लाइमलाइट पूरी हो जाने पर चाली ने इसे प्रीमियर के लिए लंदन ले जाने का निश्चय किया। उनके जहाज से रवाना होने के बाद अगले दिन घोषणा की गई कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चाली का अमेरिका में पुनः प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। लंदन में चाली का हार्दिक स्वागत हुआ और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी सराहना की गई। अमेरिका में उनके ऊपर द्वेषपूर्ण प्रहार जारी रहे, लेकिन कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका साथ दिया। द नेशन ने लिखा, चैपलिन एक ऐसे कलाकार हैं, जिनकी उज्ज्वल प्रतिभा से उस देश का नाम दशकों तक ऊंचा रहा है जिसे उन्होंने अपनाया था और जिनकी प्रतिभा ने विश्व को आनंदित किया है। लेकिन FBI ऐसी सामग्री ढूंढ निकालने की कोशिश में परिवार के नौकरों से पूछताछ करती रही जिससे चाली को बदनाम किया जा सके। उन्होंने लीटा ग्रे से जिरह की, जो 25 वर्ष पहले चाली की पत्नी थी। लेकिन लीटा ने साहसपूर्वक ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जिससे चाली को हानि पहुंचती। चाली अमेरिका वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए परिवार स्विट्जरलैंड चला गया। जनवरी 1953 में वे कोलिस्यूट वेवे स्थित एक सुंदर मकान में जा बसे। उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं गुजारा। अगर अमेरिका ने चाली की भर्त्सना की थी तो दूसरी ओर उनका परिवार अब तक उनके 5 बच्चे हो चुके थे, जेराल्डीन, माइकल, जोसेफीन, विक्टोरिया और यूजीन उनके साथ था और शेष दुनिया की शुभकामनाएं भी। मई 1954 में चाली को विश्व शांति परिषद से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार में मिली राशि पेरिस और लंदन के गरीबों की सहायतार्थ दान कर दी।
उन्होंने ए किंग इन न्यूयॉर्क नामक एक अन्य फिल्म बनानी शुरू की, लेकिन दुख की बात थी कि उसे सफलता नहीं मिली। यह मेकार्थीवाद पर एक प्रहार था। शायद उनकी कटुता ने उनकी प्रतिभा का दम घोट दिया था। उनके यहाँ तीन और बच्चे पैदा हुए, सन 1957 में जेन, 1959 में एनेट और 1964 में क्रिस्टोफर। सन 1962 में चार्ली को, जिसने समुचित रूप से शिक्षा भी नहीं पाई थी, ऑक्सफोर्ड और डरहम विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया, लेकिन उन्हें दुख का सामना भी करना पड़ा। सन 1965 में अपने जन्मदिन पर चार्ली को अपने भाई सिडनी की मृत्यु का समाचार मिला। अविश्वसनीय रूप से कठिन परिश्रम, अपार सफलताओं, दुखों और परीक्षा की घड़ियों से भरपूर जीवन के बाद ऐसा लगता था कि चार्ली स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने कहा था, काम करना ही जीवन है और मुझे जीवन से प्यार है। अंतिम चरण। चार्ली चैपलिन ने अपना सर्वश्रेष्ठ सृजन अमेरिका में रहकर किया। वे सन 1914 से 1953 तक अमेरिका में रहे। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली। राष्ट्रीयता के मुद्दे पर वे तटस्थ रवैया अपनाते थे और खुद को सच्चे अर्थों में विश्व नागरिक मानते थे। अमेरिका में मेकार्थी युग शुरू होने पर चार्ली पर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। मीडिया ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चार्ली को संदिग्ध कम्युनिस्ट समझा जाने लगा और खुफिया तंत्र को उन पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। सरकार के सख्त रवैये के चलते चार्ली का अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया। विश्व युद्ध के दौरान चार्ली के स्वतंत्र विचारों को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1952 में चार्ली अपनी फिल्म लाइमलाइट का प्रीमियर करने के लिए लंदन गए। अमेरिकी प्रशासन ने इसी दौरान चार्ली को निष्कासित करने की साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। चार्ली को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने अमेरिका नहीं लौटने का निर्णय लिया। इस सिलसिले में उन्होंने लिखा है, पिछले विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ताकतवर प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। इन शक्तियों ने अपने प्रभाव और पीठ पत्रकारिता का इस्तेमाल करते हुए ऐसा दूषित माहौल तैयार कर दिया जिसमें किसी भी स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति का रह पाना मुमकिन नहीं हो सकता। इन हालात में मुझे लगा कि अब मैं सिनेमा निर्माण का कार्य जारी नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए मैंने अमेरिका का त्याग करने का फैसला किया। अपने इस गुरूर के साथ चार्ली स्विट्जरलैंड के वैपी इलाके में बस गए। इसके बाद वे केवल एक बार अप्रैल 1972 में अपनी पत्नी के साथ ऑस्कर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए अमेरिका के दौरे पर आए। चार्ली की अंतिम दो फिल्मों का निर्माण लंदन में हुआ। इन फिल्मों के नाम हैं ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957 और ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967। चार्ली ने इस फिल्म में अभिनय किया था, साथ ही निर्माण, निर्देशन और लेखन भी किया था। इस फिल्म में सोफिया लॉरेन और मर्लोन ब्रांडो ने अभिनय किया था। चार्ली ने आखिरी दोनों फिल्मों के लिए संगीत की रचना भी की थी। ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग का शीर्षक गीत दिस इज माय सॉन्ग लोकप्रियता के मामले में चोटी पर पहुंच गया था। इस गीत को पेटुला क्लार्क ने गाया था। चार्ली ने फर्स्ट नेशनल की तीन फिल्मों ए डॉग्स लाइव 1918, शोल्डर आर्म्स 1918 एवं द पिलग्रिम 1923 का नए सिरे से संपादन किया था और संगीत की रचना करते हुए आरंभिक नरेशन को रिकॉर्ड किया था। सन 1959 से 1963 के बीच चार्ली ने अपनी आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका प्रकाशन सन 1964 में किया गया। सन 1974 में प्रकाशित अपनी सचित्र आत्मकथा माई लाइफ इन पिक्चर्स में चार्ली ने संकेत दिया कि उन्होंने अपनी पुत्री विक्टोरिया के लिए द फ्रीक नामक फिल्म की पटकथा लिखी है। इस फिल्म में उनकी पुत्री एक परी की भूमिका निभाने वाली थी। चार्ली ने बताया था कि पटकथा पूरी हो चुकी थी और रिहर्सल भी शुरू हो चुका था, मगर फिल्म का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि विक्टोरिया ने शादी कर ली। चार्ली ने लिखा कि एक दिन वे इस फिल्म को जरूर बनाएंगे। सन 1970 में चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगी थी और यह फिल्म कभी नहीं बन पाई। सन 1969 से 1976 तक चार्ली अपनी मूक फिल्मों के लिए मौलिक संगीत रचते रहे और नए सिरे से अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करते रहे। The Idol Class 1971 में प्रदर्शित की गई, Age Plunger 1973 में प्रदर्शित की गई, Payday 1972 में प्रदर्शित की गई, Sunnyside 1974 में प्रदर्शित की गई, The Circus 1969 में प्रदर्शित की गई और The Kid 1971 में प्रदर्शित की गई। संगीत रचना में एरिक जेम्स ने चार्ली के साथ सहयोग किया था। चार्ली का अंतिम कार्य सन 1923 में निर्मित फिल्म ए वूमेन इन पेरिस के लिए संगीत रचना करना था, जिसे उन्होंने 1976 में पूरा किया। उस समय तक चार्ली अत्यंत बीमार हो चुके थे और उन्हें बोलने में भी कठिनाई होने लगी थी।
1960 के दशक से ही चार्ली की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसी दौरान उन्होंने आखिरी फिल्म ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग बनाई थी। सन 1972 में अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद वे लगातार बीमार रहने लगे थे। सन 1977 में उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। 25 दिसंबर 1977 को जब सारी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, उसी दिन इस महानायक ने खामोशी के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्विट्जरलैंड की वेवी सिमेट्री में चार्ली के शव को दफनाया गया। 1 मार्च 1978 को कुछ लोगों ने चार्ली के परिवार से धन उगाही करने के लिए कब्र खोदकर चार्ली का शव चुरा लिया, लेकिन शव चुराने वाले गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 2 माह बाद लेक जेनेवा के पास शव बरामद किया गया। इस बार 6 फीट गहरी कब्र खोदकर शव को दफनाया गया और सीमेंट की सहायता से कब्र का निर्माण किया गया ताकि दोबारा कोई चोरी करने की कोशिश न कर सके। अकिचिंता से वैश्विक जयघोष तक का सफर। सन 1915 में लिटिल ट्रम्प का किरदार जब प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहुंच गया तब सबसे अधिक अचरज स्वयं चार्ली चैपलिन को हुआ था। वे महज 5 साल पहले नाट्य मंडली के कलाकार के रूप में अमेरिका के दौरे पर आए थे। संकोची मृदुभाषी ब्रिटिश म्यूजिक हॉल के इस पूर्व हास्य कलाकार ने तब कहा था, मैं यह सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक मामूली हास्य कलाकार हूँ जो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है। लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं मानो मैं इंग्लैंड का बादशाह हूँ। यह बात बिल्कुल सच थी। चार्ली की फिल्म हर वर्ग के दर्शकों को गुदगुदा रही थी। हर वर्ग का दर्शक चार्ली से प्यार करने लगा था। चार्ली एक आम आदमी के प्रतीक बन गए थे। कम समय में ही वे अमेरिका में कॉमेडी के बादशाह बन चुके थे। अगर सिंहावलोकन किया जाए तो चार्ली ने जो अपनी खास शैली में मनोविश्लेषणात्मक व भावनात्मक प्रहसन का विकास करने का निर्णय लिया था, उसके लिए उन्होंने सटीक समय को चुना था। प्रथम विश्व युद्ध के चलते निराश विश्ववासियों के लिए चार्ली की फिल्में संजीवनी का काम कर रही थी। सन 1915 के वसंत में उन्होंने द ट्रम्प के रूप में विलक्षण किरदार का सृजन किया। यह उनकी पहली खट्टी मीठी कॉमेडी थी जिसका अंत खास शैली में होता था। प्यार में चोट खाने वाला दिलेर और लचीला उनका बेघर नायक जीवन के मार्ग पर विषण और एकाकी होकर कदम बढ़ाता था। अत्यंत पीड़ादायक लड़कपन के अनुभवों का ही नतीजा था कि चार्ली ने फिल्मों की विशिष्ट शैली का विकास किया था जिसमें भावनात्मक करुणा और एकाकीपन के भाव को दोहराया जाता था। लंदन या गुदैया के रूप में अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को सिनेमा के पर्दे पर रूपांतरित करते हुए चार्ली गरीबी से समृद्धि तक और अख्याति से प्रसिद्धि तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। बेघर नायक जो डिकेंस के बाद के इंग्लैंड और आधुनिक अमेरिका की ज्वलंत समस्या का प्रतीक था, चार्ली के बचपन के अनुभवों पर आधारित था जिसे चार्ली ने बाद की फीचर फिल्मों में मर्मस्पर्शी सामाजिक संदेश देने के लिए भी इस्तेमाल किया। बचपन में कुछ दुर्भाग्यजनक अवसरों पर चार्ली को लंदन की सड़कों पर रात गुजारने और कूड़ेदान से भोजन बटोरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे दुःस्वप्न जैसे अनुभवों को चार्ली कभी भूल नहीं पाए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड के अनाथालयों और गरीबों के रैन बसेरों में जिंदगी किस कदर पीड़ादायक होती थी। चार्ली ने बचपन में जिस तरह शहरी विस्थापन के दर्द को महसूस किया था, उन यंत्रणादायक अनुभवों को उन्होंने काल्पनिक किरदारों के माध्यम से हास्य रस के साथ फिल्मों में चित्रित किया था। चार्ली के पिता अत्यधिक मदिरापान करते थे। जब उनकी मौत हुई तब चार्ली महज 12 साल के थे। उनकी माता एक मनोरोगी बन चुकी थी जिन्हें अक्सर उपचार के लिए मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करना पड़ता था। चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के जीवन का अब समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रणालीबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। वे इन नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि बेघर होने वाले और यंत्रणादायक दबाव का सामना करने वाले सारे बच्चे एक ही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। उनमें से कई बड़े होने पर जहां गुमराह हो जाते हैं, वही चार्ली की तरह कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से मेधावी परोपकारी प्रतिभाशाली और जीनियस होते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में ऐसे बच्चों की गणना अभेद्य की श्रेणी में की जाती है। ऐसे बच्चे वयस्क होने पर विरोधाभासी रूप से उच्चतर उपलब्धियां हासिल करने वाले और शानदार जीवन जीने वाले समाज के मूल्यवान सदस्य बन सकते हैं। चार्ली ऐसे ही व्यक्ति थे और उनका फिल्मी किरदार भी उनके वास्तविक जीवन को ही प्रतिबिंबित करता था। सन 1921 में चार्ली ने पहली बड़े आकार की फीचर फिल्म द किट बनाई थी। इस कॉमेडी फिल्म को सिने इतिहास में मील का पत्थर समझा जाता है। इस फिल्म में ट्रम्प एक परित्यक्त बच्चे को अपनाकर पालन पोषण करता है। 30 वर्षीय चार्ली के निजी जीवन के हादसे की प्रेरणा से द किट का निर्माण किया गया था।
उनके पहले पुत्र की मौत जन्म के 3 दिन बाद ही हो गई थी। 2.5 हफ्ते बाद ही चार्ली ने इस फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया था। इस फिल्म में भावनात्मक क्षति और विस्थापन के संकट को समसामयिक सामाजिक मुद्दों के साथ जोड़ा गया था। जनता के दिमाग में उस समय प्रथम विश्व युद्ध के विस्थापित शरणार्थी बच्चे कौन रहे थे, साथ ही बहुतों ने विश्व युद्ध में अपने परिजनों को खोकर मृत्यु की पीड़ा का एहसास किया था। दूसरी तरफ बौद्धिक दर्शकों की नजरों में चार्ली की फिल्म का खोजा हुआ बच्चा खोई हुई पीढ़ी का परिचायक बन गया था। इससे पहले किसी भी फिल्मकार और फिल्म ने एक ही झटके में सिनेमा को ताकतवर कला माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दिलाई थी। 1930 के दशक में वैश्विक मंदी के दौरान चार्ली ने समाज की गंभीर समस्याओं को हास्य के नजरिए से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए मॉडर्न टाइम्स जैसी विलक्षण फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में एक कारखाने के कर्मचारी के रूप में चार्ली ने ट्रंप को बेबाकी के साथ संकट के बीच प्रस्तुत किया था। यह कर्मचारी संगठित जनता की कसौटी पर एक कर्तव्यनिष्ठ सदस्य नहीं था, बल्कि शासन करने वाले वर्ग का एक सदस्य प्रतीत होता था। दोनों ही वर्गों पर चार्ली ने तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया था। मुनाफे पर ध्यान देने वाले प्रबंधन का उन्होंने मजाक उड़ाया था, जो कर्मचारियों के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। उन्होंने हड़ताल प्रेमी संगठित मजदूरों की कमजोरी पर भी व्यंग्यात्मक प्रहार किया था। इस फिल्म के अंत में भी ट्रंप अपनी प्रेमिका की बाहों में बाहें डालकर जीवन के पथ पर आगे निकल गया था। अपने मायूस दर्शकों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने संदेश दिया, खुश हो जाओ, कभी हौसला मत छोड़ो, हमें मंजिल जरूर मिलेगी। सन 1940 में चार्ली ने द ग्रेट डिक्टेटर बनाए। इस फिल्म ने उन्हें राजनीतिक विवाद की तरफ धकेल दिया और अंततः चार्ली को अमेरिका से निर्वासित होना पड़ा। सन 1952 में जब चार्ली इंग्लैंड के दौरे पर गए तो उनके अमेरिका लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर कथित रूप से साम्यवाद समर्थक होने और संदेहास्पद नैतिक चरित्र होने का आरोप लगाया गया। यह एक ऐसी विडंबना थी जिसकी भविष्यवाणी चार्ली ने स्वयं मॉडर्न टाइम्स के एक दृश्य में कर दी थी। सड़क पर भटकते हुए अपनी धुन में मस्त निष्कपट मगर मददगार चार्ली खतरे के निशान वाले एक लाल झंडे को गुजरते हुए ट्रक से गिरते हुए देखते हैं और उठा लेते हैं। दौड़ते हुए और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए झंडा लहरा रहे ट्रंप को पता ही नहीं चलता कि सड़क के एक कोने में उनके पीछे प्रदर्शनकारी भीड़ गुस्से के साथ दौड़ रही है और उनके झंडे को देखकर साम्यवाद समर्थक नारे लगा रही है। पुलिस भीड़ को तितर बितर कर देती है और ट्रंप को गिरफ्तार कर लेती है। महज 4 साल बाद फिल्म का यह प्रसंग चार्ली के वास्तविक जीवन में साकार होता हुआ नजर आया। इस समय तेजी से बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर की वजह से अमेरिका का राजनीतिक तंत्र अपनी तटस्थतावादी नीति के चलते फिल्मकार चार्ली से नाराज हो गया। इस फिल्म में चार्ली ने तानाशाह हिटलर और एक यहूदी नाई के दोहरे किरदार को निभाया था और परंपरागत पेंटोमाइम की तकनीक को छोड़कर उनका विख्यात ट्रंप पर्दे पर पहली बार बोलने लगा था। फिल्म के अंत में उनका एक भाषण था जो भावनात्मक होने के साथ साथ विवेकपूर्ण भी था, जिसके जरिए हिटलर द्वारा यहूदियों के संहार के खिलाफ विश्व समुदाय के हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था। इसी फिल्म की वजह से सितंबर 1941 में उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया और उन्हें युद्ध प्रचार विषयक युद्ध विरोधी तटस्थतावादी संसदीय उपसमिति के सामने पेश होना पड़ा। उपसमिति का गठन जल्दबाजी में किया गया था। चार्ली की इस लोकप्रिय और आर्थिक रूप से कामयाब फिल्म की वजह से जहां अमेरिका में युद्ध के समर्थन में जनमत तैयार हुआ, वही अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की फाइल में चार्ली को अविकसित फासीवाद विरोधी व्यक्ति का अनोखा संबोधन दिया गया। उस जमाने की भाषा में ऐसा कहना एक राजनीतिक मंगल भाषित था, जो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता था जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बने बिना वामपंथ का समर्थन करता हो। जैसा कि टेलीरेंड ने लिखा है, देशद्रोह तारीखों पर निर्भर करता है। चार्ली 1930 के दशक से युद्ध की समाप्ति तक खुलकर हिटलर के नाजीवाद का विरोध करते रहे थे। इस बीच रूस और जर्मनी के साथ अमेरिका के रिश्ते में बदलाव आता रहा था। जिस समय हिटलर स्टालिन संधि हुई थी, उस समय अमेरिका आधिकारिक तौर पर तटस्थतावादी नीति अपना रहा था। दूसरी तरफ द ग्रेट डिक्टेटर में चार्ली के भाषण को युद्ध को भड़काने वाला समझा जा रहा था। इसके बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा और नए गठबंधन सामने आए। इस युग की राजनीति में अजीबोगरीब तालमेल सामने आ रहे थे। जर्मनी के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का विरोध अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी और दक्षिण पंथी अमेरिकी फर्स्ट कमेटी मिलकर कर रही थी।
यही वह समय था जब चार्ली ने द ग्रेट डिक्टेटर का निर्माण और प्रदर्शन किया था, जिसमें नाजियों के खिलाफ अमेरिकियों से युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था और यह नसीहत दी गई थी कि ऐसा करते समय सोवियत संघ के लाभ हानि के पहलू की परवाह नहीं की जानी चाहिए। बाद में संयुक्त शक्तियों के खिलाफ जब अमेरिका और सोवियत संघ ने जीवन मृत्यु के संघर्ष के लिए गठबंधन किया, चार्ली ने उस समय नाजियों का विरोध और भी तीव्र कर दिया। लेकिन इस दौरान वे सोवियत संघ के हितों का भी समर्थन करते रहे थे। सन 1942 में उन्होंने रूसी युद्ध राहत एवं द्वितीय मोर्चे के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया था। चार्ली की ख्याति विश्व स्तर के कलाकार के रूप में स्थापित हो चुकी थी और विश्व स्तर पर उनकी फिल्मों का संदेश आम जनता के हृदय का स्पर्श कर रहा था। इसलिए जो लोग उनके राजनीतिक नजरिए से असहमत थे, वे उन्हें शत्रु के रूप में देख रहे थे। उस समय अगर उनकी प्रभाव डालने की क्षमता को कमजोर बनाया जा सकता था तो इस तरह उनकी लोकप्रियता पर भी आसानी से प्रहार किया जा सकता था। सन 1942 के उत्तरार्ध में चार्ली पर हमले को तेज कर दिया गया। संरक्षणवादी पत्रकार वेस्टश्रुक पेगला का कॉलम सैकड़ों अखबारों में प्रकाशित होता था। उसने चार्ली के खिलाफ दो अत्यंत कठोर लेखों के जरिए प्रचार अभियान को शुरू किया। सोवियत संघ के साथ अमेरिका के सैन्य गठबंधन का समर्थन करते हुए चार्ली की कम्युनिस्ट समर्थक गतिविधियों को अमेरिका विरोधी बताते हुए उसने चार्ली को निर्वासित करने की मांग की। इससे भी अधिक कटु निंदा करते हुए पेगला ने तर्क दिया कि चार्ली ने तीन पत्नियों को तलाक देकर साबित कर दिया था कि वे विवाह, परिवार और घर संबंधी अमेरिकी जीवन के मानकों पर विश्वास नहीं करते। आखिरी आरोप ऐसा था जिसका प्रभाव लोगों पर आसानी से पड़ सकता था। औसत अमेरिकी अखबारों के पाठक युद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन एक नौजवान कलाकार के रूप में चार्ली कई स्त्रियों से संबंध रखने की वजह से बदनाम हो चुके थे। उसी समय एक अभिनेत्री के साथ उनके कथित सेक्स स्कैंडल को मीडिया में उछाल दिया गया, जिसका गहरा प्रभाव अमेरिकी जनता पर पड़ा। जून 1943 में एक अविवाहित महिला ने चार्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया कि वे उसके बच्चे के पिता थे। बाद में रक्त परीक्षण के नतीजे से साबित हुआ कि महिला का दावा सही नहीं था। लेकिन इस तरह का नतीजा आने से पहले चार्ली के चरित्र पर हमले किए गए और सार्वजनिक रूप से उन्हें नैतिक रूप से भ्रष्ट घोषित कर दिया गया। अखबारों के पहले पन्ने पर रोज उनके मुकदमे की कार्रवाई की खबरें चटखारे ले लेकर प्रकाशित की गई। अवैध रिश्ते के आरोप को उछाला गया। अपराधी की तरह फिंगरप्रिंट्स देने की तस्वीरें प्रकाशित की गई। हेडा होपर्ट के नेतृत्व में हॉलीवुड के संरक्षणवादी कॉलमिस्टों ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार शुरू कर दिया। इस तरह चार्ली की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया गया। पर्दे के पीछे से FBI चार्ली के खिलाफ जारी अभियान का संचालन कर रही थी। चार्ली संबंधी FBI की फाइलों के अध्ययन से बाद में स्पष्ट हो गया कि चार्ली के खिलाफ दुर्भावना के चलते कमजोर मान एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि उनके निर्दोष होने के प्रचुर तथ्य मौजूद थे और जिसे बाद में उन्होंने साबित भी कर दिखाया। यह भी संकेत मिलता है कि FBI के उकसाने पर ही कॉलमिस्टों ने चार्ली के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, FBI ने मामले की न्यायिक अनुपयुक्तता को भी छिपाया था। अगर संघीय जज को इसकी जानकारी होती तो मामले को तत्काल नैतिक आधार पर खारिज किया जा सकता था। पितृत्व संबंधी मुकदमे का इस्तेमाल समाचार पत्रों ने चार्ली की प्रतिष्ठा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए किया और जर्मनी के आत्मसमर्पण के एक महीने बाद यह मुकदमा खत्म हो पाया। इस तरह अमेरिकी शासन तंत्र ने चार्ली के राजनीतिक प्रभाव पर एक हद तक अंकुश लगा दिया था। इसके बावजूद चार्ली युद्ध के उपरांत घरेलू राजनीतिक दमन और शोषण के सभी तरीकों का तीव्र विरोध जताते रहे। उस समय के दूसरे उदारवादी प्रबुद्ध व्यक्तियों की तरह चार्ली जन अधिकारों के हनन के प्रयास को आसानी से समझ जाते थे और अपना विरोध जताते थे। वे स्टालिनवाद की बुराइयों की आलोचना करने में भी पीछे नहीं हटे थे। जब नकारात्मक राजनीतिक दुष्प्रचार के परिणाम स्वरूप चार्ली की छवि को नुकसान पहुंचाया गया, उस समय चार्ली पर अंकुश लगाए रखने की राजनीतिक रणनीति पहले की तुलना में प्रतिकूल साबित होने लगी। चार्ली की प्रतिष्ठा को और क्षति पहुंचाने और उनके देश प्रेम को संदिग्ध बनाने के लिए गवाही के कटघरे से उन्हें दूर रखना एकमात्र प्रभावशाली उपाय बचा रह गया। वास्तव में उनके ऊपर कम्युनिस्ट होने का आरोप महज अफवाहों और वक्रोक्तियों के जरिए लगाया गया था। जैसा कि अमेरिका विरोधी गतिविधियों से संबंधित कमेटी और FBI अच्छी तरह जानती थी, और बाद में फाइलों से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि चार्ली कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं बने थे।
अगर उनसे शपथ लेकर अपने दावे को साबित करने के लिए कहा जाता तो वे आसानी से अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते थे। अमेरिका विरोधी गतिविधियों से संबंधित कमेटी ने सन 1947 में 3 बार उनकी सुनवाई को स्थगित किया था और अंततः रद्द कर दिया था। इस संकट की घड़ी का मुकाबला भी चार्ली ने लड़कपन के अभेद्य साहस और दृढ़ता की शैली में किया। उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण करने वालों के उत्तेजक दुष्प्रचार का सामना भावप्रवण क्रोध के साथ किया। अपने बचाव का प्रयास करते हुए वे तेजी से खतरनाक वामपंथी रुझान के एक सुविधाजनक प्रतीक बनते चले गए। किसी भी कीमत पर उन्होंने भयभीत नहीं होने का संकल्प कर रखा था। यह विशेषता सही अर्थों में उनके अभेद्य लड़कपन के प्रभाव को दर्शाता है। किसी भी तरह की बाधा को पार करने का साहस और विश्वास उनके मन में था। इसी खूबी के साथ चार्ली ने अपने जीवन को जिया था। तब भी जब मैं यतीम खाने में था, सड़कों पर भटकते हुए जान बचाने के लिए अन्न की तलाश करता रहा था, उस समय भी मैं खुद को संसार का महानतम कलाकार समझता था। अपने भीतर आत्मविश्वास रखने पर जो प्राचुर्य पैदा होता है, मैं उसे महसूस करता था। उसके बिना आपको हमेशा पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। उनकी इसी जिजीविषा की खूबी ने उनके लिटिल ट्रम्प को कई दशकों से दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना रखा है। यह स्वाभाविक था कि अमेरिकी शासन तंत्र के हमले से अपना बचाव करने के लिए चार्ली ने अभेद्य बचपन के साहस और संकल्प का इस्तेमाल किया। सन 1947 में मोशे वोदू के प्रीमियर के समय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चार्ली ने कहा था, मुझ पर हमला करो, इस पके बाल वाले बूढ़े का काम तमाम कर दो। पत्रकारों को उनकी फिल्म के बारे में चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे केवल उनकी राजनीति की रिपोर्टिंग करने के लिए जमा हुए थे। पत्रकारों ने उनके देश प्रेम को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। शीत युद्ध तीव्र होता जा रहा था। उन्होंने अपने खिलाफ शत्रुता के बर्ताव को कम करने के लिए हास्य का इस्तेमाल करते हुए खुद को शांति प्रेमी बताया, मगर उनके जवाब को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद जब संरक्षणवादी राजनीतिक दबाव समूहों ने देश प्रेम के हित में अमेरिकियों को चार्ली की फिल्म का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया, तब चार्ली को एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने विरोधियों की ताकत को कम समझा था। अमेरिका छोड़ने से पहले सन 1952 में अमेरिका की धरती पर अपनी आखिरी फिल्म लाइमलाइट बनाई थी। इस फिल्म का बुरा हाल हुआ। दक्षिणपंथी गुटों ने वितरकों पर इतना जबरदस्त दबाव डाला कि उन्होंने सैकड़ों थिएटरों में फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया। उस समय चार्ली स्थायी रूप से राजनीतिक निर्वासन के तहत स्विट्जरलैंड में रहने के लिए चले गए थे। अगले 20 वर्षों तक चार्ली ने अमेरिका की धरती पर कदम नहीं रखा, लेकिन लाखों अमेरिकियों के मन में उनकी सजीव उपस्थिति बनी रही। चार्ली ने लाइमलाइट के शीर्षक गीत की रचना की थी। सन 1953 में वह गीत अमेरिका में सर्वाधिक लोकप्रिय गीत माना गया। ऐसे ने चैपलिन ब्रांड की फिल्में अपने करियर के आरंभ में चार्ली चैपलिन ने कीस्टोन फिल्म कंपनी के लिए जो कॉमेडी फिल्में बनाई थी उनमें उनकी प्रतिभा शैशवावस्था में नजर आती है। एसएनए की कॉमेडी फिल्मों में उनकी तरुणाई झलकती है, जहां वे धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आते हैं। एसएनए फिल्म कंपनी संक्रमण काल से गुजर रही थी जब उसे महान कलाकार चार्ली मिले थे। चार्ली अत्यंत लगन और मेहनत के साथ अपनी प्रत्येक फिल्म में नए नए प्रयोग कर रहे थे, नए नए विचार ढूंढ रहे थे, ट्रंप के किरदार को नई नई खूबियां प्रदान कर रहे थे, जिस किरदार को सिने इतिहास में अमरता प्राप्त होने वाली थी। एसएनए के बैनर तले बनी चार्ली की फिल्मों से एक महान कलाकार के सृजन की बेचैनी और प्रयोगों को समझा जा सकता है। कीस्टोन फिल्म कंपनी के साथ एक साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद एसएनए ने प्रति सप्ताह $1,250 की तनख्वाह के साथ चार्ली के साथ करार किया था। उन्हें सिर्फ करार पर दस्तखत करने के लिए कंपनी की तरफ से $10,000 मिले थे। इस कंपनी के बैनर तले चार्ली ने 14 फिल्में बनाई। इन सभी फिल्मों को एसएनए चैपलिन ब्रांड के रूप में प्रदर्शित किया गया। कंपनी का मुख्यालय शिकागो में था और उसका स्टूडियो कैलिफोर्निया में भी था। इस कंपनी की स्थापना जॉर्ज के स्यूर और जी एम एंडरसन ने की थी। सन 1907 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और एक साल बाद ही वह मोशन पिक्चर पेरेंट्स कंपनी की सदस्य बन गई थी। चार्ली का कंपनी के साथ गुजारा गया एक साल कंपनी के लिए स्वर्ण काल था। चार्ली जब इस कंपनी का करार खत्म होने पर म्यूचुअल फिल्म कंपनी में चले गए तो यह कंपनी लड़खड़ाने लगी और सन 1918 में इसका कामकाज ठप हो गया। अगर चार्ली एसएनए के साथ नहीं जुड़े होते तो यह कंपनी विस्मृति के गर्भ में खो गई होती। चार्ली की बाद की फिल्मों में जो जटिल और सूक्ष्म शैली नजर आती है, एसएनए की फिल्मों में उन पहलुओं से साक्षात्कार नहीं होता।
एसएनए के बैनर तले बनाई गई चाली की फिल्में सहज सरल कॉमेडी फिल्में हैं, जिनमें करुणा और हास्य, कल्पना और यथार्थ का अद्भुत मिश्रण नजर आता है। एसएनए की फिल्म द ट्रैम्प को चाली की प्रथम क्लासिक फिल्म माना जाता है। चरित्र को उभारने के लिए चाली ने इस फिल्म में करुणा का इस्तेमाल किया। हास्य अभिनय के क्षेत्र में ट्रैम्प के किरदार की खोज एक ऐतिहासिक घटना थी। द ट्रैम्प का अंत उदास करने वाला था, जो सिनेमा की परंपरा में एक नया प्रयोग था। द बैंक में भी करुणा का प्रयोग किया गया है, जिसमें ट्रैम्प का दिया हुआ फूल लड़की फेंक देती है और ट्रैम्प का दिल टूट जाता है। एसएनए की कॉमेडी फिल्मों को चाली ने विविध अन्वेषणों के जरिए समृद्ध बनाया। उन्होंने क्रम परिवर्तन का प्रभावशाली इस्तेमाल किया। ए नाइट आउट में इस क्रम परिवर्तन के प्रयोग को देखा जा सकता है। एसएनए के बैनर तले बनाई गई फिल्मों में ही चाली ने पहली बार पुंता का प्रयोग किया। ए नाइट आउट में बेन टर्पिन जब ट्रैम्प को घसीटता है तो उसे लगता है कि वह नदी में फूल पर सवार होकर तैर रहा है। एसएनए की फिल्मों में ही चाली ने कुछ खास तरकीबों को आजमाया, जो तरकीबें बाद में उनकी फिल्मों की विशेषता बन गई। सिनेमा की शैली की दृष्टि से भी चाली एसएनए की फिल्मों में परिपक्वता की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। नारी किरदारों के चित्रण में इस खूबी को महसूस किया जा सकता है। एसएनए के लिए फिल्में बनाते समय ही चाली को नायिका के रूप में एडना पुरवियंस मिली, जो सन 1923 में निर्मित ए वूमेन ऑफ पेरिस तक उनकी नायिका बनी रही। सन 1895 में नेवादा में जन्मी एडना का मूल नाम ओल्गा एडना पुरवियंस था। उसने सचिव की नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था। एसएनए के एक कर्मचारी ने चाली से उसकी खूबसूरती की चर्चा करते हुए उसे फिल्मों में लेने की सिफारिश की थी। चाली उसके सौंदर्य और आकर्षण से प्रभावित हुए। चाली और एडना के बीच की अंतरंगता के चलते फिल्मों में महिला के प्रति ट्रैम्प के बर्ताव में भी बदलाव आया। असल जीवन की अंतरंगता पर्दे पर भी झलकने लगी। इससे पहले कीस्टोन की फिल्मों में चाली का किरदार महिला किरदार से अंतरंग होता हुआ नजर नहीं आता, उस समय उनकी नायिका माबेल नॉरमन थी। एडना के साथ ट्रैम्प का बर्ताव शालीन और रोमांटिक नजर आता है।